अच्छा जी, तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं 18. इसका नाम क्या रखें, रिएक्ट क्लाइंट सर्वर, ठीक है। जो हम API को जब कॉल करते हैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन से, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ये हमने कर दिया अभी। अच्छा, इसके अंदर हम वही सारी चीज कॉपी कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ये सारा कुछ हम इसमें कॉपी कर देते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मतलब लास्ट से लास्ट वाली में। तो हमने क्लास नंबर 16 में क्या किया था, कोई बता सकता है, जिसका कोड मैंने अभी भी कॉपी किया है। इसमें हमने ये किया था असल में कि एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बना के हमने एक्सप्रेस के सर्वर में रखा था, और एक्सप्रेस के सर्वर के जरिए हम उसको गाइड कर रहे थे, ठीक है। फ़र्क कोई नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह ये भी कर रही होगी काम, सिर्फ फ़र्क ये है कि बजाय फायरबेस पे होस्ट करने के हम उसको हरिपोर्ट पर होस्ट कर रहे हैं। तो वही एग्जैक्टली एप्लीकेशन मैंने उठा ली और उसी पर हम अब इंशाल्लाह काम करते हैं। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को पहले तो डिवेलपर मोड में रन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलपर मोड में रन करने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा कि सीडी करके मैं जाऊं उस फ्रंट एंड की एप्लीकेशन में, सीडी, और मैंने कहा क्लास नंबर 18 सीडी वेब, ठीक है, और वेब में जाके मैं npm स्टार्ट कर दूं सिंपली। अच्छा जी, तो npm स्टार्ट करने से क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन एज इट इज रन हो गई, जब भी मैं चेंजेस करूंगा रियल टाइम में मुझे चेंजेस दिख रही होंगी, ठीक है जी। अभी मैंने इसको प्रोडक्शन मोड में रन नहीं किया, प्रोडक्शन मोड में मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, फिर मैं इसको सर्वर के जरिए उठा रहा हूँ। आवाज में कुछ फर्क है ना माइक के, इको पड़ा हुआ है, इसको कम कर देता हूँ ना। हेलो 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 हेलो, अब कुछ बेहतर है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी। हेलो 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 हेलो, अब कुछ बेहतर हो गई है या वही है, ये वाला स्पीकर सही नहीं है ना, इसका कोई बैलेंस वैलेंस का तो सही है। के उसमें चला जाता हूँ index.js में, ये मेरा रिएक्ट का index.js है, इसको मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, असूलन तो ये होगा, जब भी मैं कोई प्रॉपर एप्लीकेशन बनाऊँगा उसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट API बनाऊँगा, उसके अंदर मैं राउटिंग करूँगा, उसमें मैं इस तरह की काफ़ी चीज़ें करूँगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंपल कंपोनेंट बना के उससे रिएक्ट, उस रिएक्ट के सिंपल कंपोनेंट से APIs को कॉल करके उससे डेटा मंगवाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो मुझे इस इंडेक्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं app.js में चला जाता हूँ। app.js में जाने के बाद ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसको रिमूव करने के बाद अब मुझे यहाँ पे API कॉल करनी है। अच्छा, नोट कीजिएगा कि API हमें कंपोनेंट लोड होने पे एक दफ़ा कॉल करनी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं प्रोफाइल के पेज पर जाता हूँ तो प्रोफाइल मेरी लोड होकर एक दफ़ा शो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हम कहाँ पर कर रहे होते हैं, यूज़ इफेक्ट में, यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। यूज़ इफेक्ट क्या होता है, जैसे ही कंपोनेंट लोड होता है एक दफ़ा चल जाता है वो,
तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस जगह पे आके उस एपीआई को कॉल करना होगा, ठीक है। क्लीन अप में कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ सिंपल। जी हाँ, सारे कंपोनेंट जो जो लोड होंगे ना उस सब का यूज इफेक्ट चला देते हो। हाँ, जो जो कंपोनेंट आपकी जद में आ रहे होंगे ना उसके उस पर चल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर कोई हेल्प का कंपोनेंट है जिस पर आप पेज में मौजूद नहीं है तो वो नहीं चलेगा, वो जब उस पेज पर जाएंगे तो चलेगा, सही है। अभी तो डेटा मंगवाना सीखा ही नहीं है ना हमने, पहले मंगवा लेते हैं फिर हम तुम्हारे इस सवाल को भी इंशाल्लाह लेंगे, ठीक है। बाद में दोबारा रिपीट करना सवाल को। ये तो ठंडा हो चुका है, एक एक बटन को फूक फूक के दबाना पड़ता है, प्रोजेक्टर ही ऑफ हो जाए पता चले। चलो बम डिस्पोजल स्क्वाड, सही कह रहा है बिल्कुल, ये एक एक तार ना बिस्मिल्लाह पढ़ के खींचते हैं वो। अच्छा, तो अब हमें ना इस जगह पे आके एपीआई को कॉल करना है। आप सब एपीआई कॉल करना पहले से जानते हैं क्योंकि हम वेदर की एपीआई एक दफ़ा कॉल कर चुके हैं, उसी सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी कॉल कर रहे होंगे अपनी एपीआई को। अच्छा, हम एपीआई को कॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक्सियोस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो मैं अपनी वेदर की ऐप से ना वो वाला कोड में जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, सही है जी। ये मैंने एक्सियोस को यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि मुझे दोबारा एक्सियोस की डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसको देखना ना पड़े इस वजह से, ठीक है। और मैंने ये एक्सियोस भी ऊपर रिक्वायर भी कर लिया, और एक्सियोस के अलावा मुझे ऊपर क्या रिक्वायर करना होगा, इफेक्ट रिक्वायर करना होगा मुझे, ठीक है, यूज़ इफेक्ट। तो मेरा ये कंपोनेंट अब रेडी है एपीआई को कॉल करने के लिए। अच्छा, लेकिन जिस एपीआई को मैं कॉल करने लगा हूँ वो एपीआई भी तो मौजूद होनी चाहिए ना, वो एपीआई अब जल्दी से हम पहले बना लेते हैं। https://localhost:3000 या बल्कि 5000 में चल रहा है हमारा सर्वर, 5000/profile /api/v1/profile, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, जा बोलो। हाँ, अभी हम आते हैं, ये तो मैंने से प्लेस होल्डर लिखा है ना, अभी हम एपीआई बना लेते हैं फिर उसके बाद उसको हम देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, तो हम उस एपीआई पे जाते हैं, उस एपीआई पे मैं गया और जाके मैंने देखा कि यहाँ प्रोफाइल के अंदर क्या रिटर्न हुआ हुआ है, एक टेक्स्ट रिटर्न हुआ हुआ। मैंने कहा टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदर जेसन चाहिए, मुझे एक अदर जेसन चाहिए यहाँ पे। अच्छा, जेसन में मैंने कहा नेम मलिक, ठीक है जी, मैंने कहा जी ईमेल malik@sysbot.com, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने क्या कहा, क्या होता है इसके अलावा यार, एड्रेस, एज, एड्रेस 9th Street ABC कराची, ठीक है, जस्ट एक प्लेस होल्डर एड्रेस मैंने लगा दिया। तो अभी मैंने फिलहाल ये तीन चीज़ें रख दी इसमें। अच्छा, ये तीन चीज़ें रखने के बाद मैंने सर्वर को रन कर दिया, रन भी करना पड़ेगा मुझे ऑफकोर्स इस सर्वर को, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली रन कर देता हूँ। मैंने कहा सीडी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, रूट पे ही है ना। अच्छा, नहीं सीडी करना पड़ेगा मुझे, क्लास नंबर मेरी क्या है, ये हमारी 18, CD 18, ठीक है जी, और npm start, ये मैंने सर्वर के फोल्डर में जाके उसको स्टार्ट कर दिया मेरे सर्वर को। हाँ, नॉट बॉन कर देता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, नॉट बॉन के अलावा मैं क्या करता हूँ, एक काम कि मैं पैकेज डॉट जेसन में जाके ना ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट के साथ जो है मैं एक और स्क्रिप्ट लगा देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ डेव, ठीक है, डेव, और मैं ऐसी स्क्रिप्ट है कुछ भी नाम रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट बॉन स्पेस ऐप का नाम। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npm start की जगह npm run dev करूँगा ना तो ऑटोमेटिक उसको चला पाऊंगा।
नोड नॉन इंस्टॉल करना पड़ता है एक दफ़ा, आपको ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है, फिर दोबारा नहीं करना पड़ता, पूरे पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है। सही है जी। तो अब मेरा ये सर्वर रन हो चुका है जो मुझे प्रोफाइल की एपीआई पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है। अच्छा यहाँ पे आया मैं, मैंने प्रोफाइल मंगवाई। अच्छा इस प्रोफाइल को मंगवा के मुझे कहाँ रखना होगा? किसी स्टेट में, क्योंकि हर वो डेटा जो मुझे स्क्रीन पे दिखाना है वो मुझे क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी स्टेट में रखना पड़ता है। तो मैं एक स्टेट भी बना लेता हूँ। मैंने कहा जनाब कॉन्स्टेंट यूज़र, बल्कि दो यूज़र बनेंगे ना, यूज़र कॉमा सेट यूज़र इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, यूज़र कर दिया मैंने use state, और शुरू में इसमें क्या रखवा दूँ मैं, empty object। ठीक है, शुरू में मैंने इसमें empty object रखवा दिया। error किस बात का दे रहा है ये? अच्छा axios install नहीं हुआ, ठीक है axios install नहीं हुआ तो उसको पता ही नहीं चलूँगा। एक दफ़ा चलेगा, जा भाई आगे बढ़ो। अच्छा भाई तो जी वो एक्सियोस इंस्टॉल नहीं था तो वो एरर दिए जा रहा था, मैंने एक्सियोस को इंस्टॉल कर दिया। अच्छा तो ये डेटा मंगवा के अब जो प्रोफाइल से जो भी डेटा आएगा उसको मैं क्या करूँगा? यार मेरा बैग वहाँ रखा भाई, क्या वो मेरा बैग वो है देना जरा। अच्छा अच्छा पहले तो मैंने जो रिस्पॉन्स में जो भी डेटा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा उसको मैंने कंसोल करवा दिया। कंसोल करवाने के बाद मैंने कहा सेट यूज़र, और सेट यूज़र में वो मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा पास कर दिया। ठीक है तो अब मेरे सेट यूज़र में कुछ ना कुछ डेटा आ जाना चाहिए इस यूज़ इफेक्ट के चलने के बाद। अब मैं नीचे जाके यहाँ पे, अच्छा मैं तो उसको सिंपल लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग जब बनाएंगे यही चीज़ अपने हाथ से तो आप यहाँ पे रिएक्ट मटेरियल का कार्ड एक लेंगे, उस कार्ड में प्रॉपर ईमेल नाम वगैरह, फिर फोटो भी एक आप लगाएंगे, आपके केस में फ़ोटो का एक यूआरएल भी आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा तो मैंने कहा कि यार क्या प्रिंट करो, यूज़र डॉट नेम, ठीक है जी, यूज़र डॉट ईमेल और यूज़र डॉट एड्रेस, ठीक है ये प्रिंट करवा दो। अच्छा कंसोल पे देखते हैं। अच्छा ये आपको ना एरर दे रहा है, कोई एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है कि मेरे सर्वर पे ना क्रॉस ओरिजिन नहीं लगा हुआ। ठीक है अच्छा क्रॉस ओरिजिन समझ लो क्या चीज़ होती है। हाँ देखो क्रॉस ओरिजिन क्या होता है कि ये मेरा मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड है, ठीक है, और ये मेरा सर्वर अलग बना हुआ है। अब ये सर्वर और फ्रंट एंड ना अलग अलग हैं अभी, ठीक है, अभी मैं इसको सेपरेटली रन कर रहा हूँ, अभी मैं सेम सर्वर पे रन नहीं कर रहा है इसको। अच्छा जब मैं प्रोडक्शन में रन करूँगा सेम सर्वर पे रन हो रहा होगा। तो गूगल क्रोम का ये सिक्योरिटी फीचर है कि आपका जो फ्रंट एंड है ना ये अलग से जो रखा हुआ है फ्रंट एंड, अगर ये सेम सर्वर के अलावा किसी और सर्वर को कॉल कर रहा है ना तो उसको कॉल नहीं करने देगा, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है अनटिल एंड अनलेस के वो सर्वर बोलेंगे हाँ ठीक है ये मुझे अलाउ कर दो कॉल करना। ठीक है ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है। कुछ ब्राउज़र में ये एरर नहीं भी आएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राउज़र में ये एरर आ जाए, हो सकता है कुछ ब्राउज़र्स में ये एरर ना आए। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ अपने सर्वर पे वक्ती तौर पे, क्योंकि अभी मैं जस्ट डेवलपमेंट के तौर पे इसको अलग रन कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो उसी सेम सर्वर पे मौजूद है, तो मैं वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कोर्स इसमें लगा लेता हूँ अपने सर्वर में। मैंने कहा npm i कोर्स, ठीक है जी, और कोर्स की डॉक्यूमेंटेशन से मैं जल्दी से उसका ना कोड उठा लेता हूँ, तो छोटा सा, अरे यार ये रहा npm कोर्स, छोटा सा कोड है इसका, मैं वो जो है ना जल्दी से उठा लेता हूँ। ठीक है कोर्स को मैंने रिक्वायर कर लिया। अच्छा रिक्वायर करने के बाद मैंने कहा कि
क्या किया हुआ यार, ये चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं, ऐप डॉट यूज़ में पहले ये, हाँ ये रहना पहले ही लिखा हुआ था, मैं मिस करके निकल गया था, मैं सोच रहा हूँ उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइन आपको ऐड करनी होती है, लेकिन ये परमानेंट आपको ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी हो जाती है फिर बाद में अगर आपने उसको छोड़ दिया। आपका जो फ्रंट एंड है और सर्वर है वो सेम लोकेशन पे होना चाहिए। अच्छा, और मैं अपने सर्वर को क्या करता हूँ जनाब, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला एरर नहीं देगा, और देखें वो जो सर्वर से डेटा आया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा, सिंगल लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है, मैंने एक साथ ही लिख दिया सबको इस वजह से। ठीक है, और इसमें से एक क्लास नेम भी हटा देता हूँ ताकि वो उस पर जो स्टाइलिंग कर रहा है ना वो ना करे। ठीक है जी, ये मेरा डेटा आके प्रिंट हो गया। वेदर एप्लीकेशन में सेम इसी तरह डेटा आता था, इसमें भी सेम इसी तरह आ रहा है। अच्छा, मेरा सर्वर जो अभी रन हो रहा है वो चूंकि सेपरेटली रन हो रहा है, और मेरा जो फ्रंट एंड है वो सेपरेटली रन हो रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल लिखना पड़ा, लोकल होस्ट 5000 ऐसे करके, और यही वजह हुई कि वो अलग से कर रहा था। अच्छा, अब मैं इसको, ये मेरी ऐप कंप्लीट हो गई, अब मैं इसको प्रोडक्शन में ला रहा हूँ, तो मैं इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल नहीं लिखूंगा, मैं इसमें पार्शल यूआरएल लिखूंगा। ठीक है, या इसको हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल, जो डोमेन पे हम खड़े हुए हैं राइट नाउ, क्योंकि जब हम, बल्कि इसको मैं चला देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या सीन है। मैंने इसको रोका, मैंने कहा npm रन बिल्ड। ठीक है जी, npm रन बिल्ड कर दिया मैंने, तो अब ये जो एप्लीकेशन का जितना भी कोड था ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन वर्जन एक बिल्ड होके बिल्ड के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब मुझे इस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, अब मुझे जरूरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सर्वर की जरूरत है। ठीक है जी, अब मैं इसको 3000 को हटा के मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 5000 खोलूँगा। ठीक है, नोट कीजिए, लोकल होस्ट 5000 जब मैंने खोला तो मुझे सेम वही चीज़ नज़र आई, क्योंकि मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन थी। ये किस में चल रहा है, प्रोडक्शन वर्जन चल रहा है मेरा, इससे पहले कौन सा चल रहा था, डेवलपमेंट वर्जन। अच्छा, अब प्रोडक्शन वर्जन में मुझे कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों लाइनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही चल रहा है जी। ये नहीं समझ आया, बताता हूँ दोबारा, देखो पेंट में समझाता हूँ, कहाँ गया पेंट, चल पेंट बंद हो गया। अच्छा, शुरू में हम क्या कर रहे थे, हमने ये एक फ्रंट एंड बनाया हुआ था। ठीक है, इसको हम npm स्टार्ट से रन कर देते थे, कर दिया हमने, फिर एक सर्वर अलग से था यहाँ पे, सही है, इसको थोड़ा सर्वर जैसा बनाते हैं, अंडू नहीं होगा जैसे वायर, चलो। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर बन गया। अब ये फ्रंट एंड जो है ना, ये अलग एड्रेस पे रन हो रहा था, ये सर्वर अलग एड्रेस पे रन हो रहा था। फ्रंट एंड किस पे रन हो रहा था, 3000 पे, सर्वर किस पे रन हो रहा था, 5000 पे। इसके अंदर हमने सारा कोड लिखा, कंप्लीट कर लिया कोड, टेस्ट भी कर लिया उसको। अच्छा, जब मैं इससे टेस्ट कर रहा था तो मुझे यहाँ पे कोर्स लगाना पड़ रहा था, दो लाइनों का कोड कोर्स लिखना पड़ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको इसको बिल्ड किया, मैंने इसका जो बिल्ड किया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया, एक इसका प्रोडक्शन वर्जन आ गया मेरे पास। ठीक है, एक इसका मेरे पास प्रोडक्शन वर्जन आ गया, ये क्यूब आ गया मेरे पास, इसमें ये रिएक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्रोडक्शन वर्जन है। इसको मैंने उठा के मेरे ही सर्वर के बिल्ड फोल्डर में रख दिया। ठीक है, अब मुझे इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, अब उसको मैं चला भी नहीं ना, रोक दिया मैंने, मैं जस्ट सर्वर को अपने चलाऊंगा, सर्वर मेरा चलेगा, सर्वर को पता है कि स्लैश की रिक्वेस्ट पे मुझे ये वेब एप्लीकेशन उठा के भेजनी है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी वेब एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट कर रही है API की, वो उसमें कंप्लीट URL मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि देना मुनासिब भी नहीं है, कंप्लीट URL हम नहीं देते उसके अंदर, अब हम देते हैं रिलेटिव URL। मिसाल के तौर पे मैंने जो रिक्वेस्ट की है, आप नोट कीजिए किस पर रिक्वेस्ट किया है, /API/V1। ठीक है, तो ये इसको किस तरह से ट्रीट कर रहा होगा,
जिस URL पे अभी हम खड़े हुए हैं, सर्वर मेरा कौन से एड्रेस पे चल रहा है, लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा है, तो सर्वर का जो भी एड्रेस बार में एड्रेस या facebook.com पे चल रहेगा सर्वर, तो अब वो जो API रिक्वेस्ट करेगा ना वो उसी के आगे से स्लैश लगा के करेगा, तो टोटल मेरा URL क्या बनेगा जो कि इंटरनेट पे हिट हो रहा होगा, लोकल होस्ट 5000/API/V1/profile, ये मेरा हिट हो रहा होगा सर्वर पे और वहाँ से वो सर्वर से डेटा लेकर आ रहा होगा। अच्छा, अब चूंकि मेरा सर्वर और मेरा फ्रंट एंड सेम जगह पे पड़ा हुआ है, सेम एड्रेस में है, तो मुझे कॉर्स की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट अब ये नहीं है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे, ये तो एक सिचुएशन हो गई, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई आपका जो फ्रंट एंड है, सही है, ये आपका फ्रंट एंड है, ये एक दूसरी सिचुएशन है, इसके लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे होगा, चलो ये एप्लीकेशन आपकी होस्ट है फायरबेस पे या गिटहब पेजेस पे या किसी भी दूसरे नेटलीफाई पे या किसी भी इस तरह के स्टैटिक होस्टिंग पे, आपका सर्वर होस्ट है हरिको पे, तो स्टिल आप इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्वर में ना ये बताना पड़ेगा कि मुझे गिटहब पेजेस से रिक्वेस्ट आएगी, उसको मना नहीं करना, आने देना, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन है, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। मेरे पास कई ऐसी प्रोडक्शन की एप्लीकेशन है जो फायरबेस पे होस्ट है और वो हरिको के सर्वर से बात कर रही है, मेरे पास ऐसी भी एप्लीकेशन है, और सूटेबल ज़्यादा तरीका यही है कि हरिको पे ही उसका फ्रंट एंड है और हरिको पे ही उसका बैक एंड है, ठीक है, तो दोनों तरीके सही हैं जी। सर, जैसे एक बार से मेरे इशू आ रहा है, हाँ, तो मैंने कह रहा कि ये की ऐप के अंदर सर्वर बनाया, साथ ही आप उसको कनेक्ट करवाया, रिएक्ट की ऐप के अंदर सर्वर को कैसे बना दिया तुमने, सर्वर के अंदर रिएक्ट की ऐप बनेगी भाई, देखो समझा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा जो रूट है ना, ये क्या है, सर्वर, जो किसी भी क्लाउड की मशीन पे जो चीज़ रन हो रही होगी ना, जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा वो सर्वर होगा, सर्वर का चाइल्ड होना चाहिए ये वेब, सर्वर के अंदर वेब का फोल्डर एक बना दिया, सर्वर के अंदर कई और चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक का फोल्डर बना दिया, कई चीज़ें बना सकते हैं, तो अब ये वेब जब सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी ना, इस जगह पे जब रिक्वेस्ट आएगी app.js पे, तो ये वेब के फोल्डर में से वो पूरी वेब निकालेगा और भेजेगा, तो अगर तुमने वेब का फोल्डर रूट रखा है और सर्वर को उसका चाइल्ड बना दिया, तो ये तो तुमने शुरू ही मसला कर दिया, एक स्टेप पीछे आ रहे हो। अच्छा, हर एनवायरनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको रूट फोल्डर से पीछे का एक्सेस हो, हर एनवायरनमेंट में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, रूट से पीछे का आपको एक्सेस अगर कोई दे देता है तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दे। अब तुम्हारा कोड मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए, तो हाँ बोलो, बैकेंड पे आ गया मैं, इसकी टाइप देख रहा है ना, गेट है ये, दोनों चीजें देखेगा ये एड्रेस भी देखेगा और गेट को भी देखेगा। अच्छा, अगर मैं पोस्ट करूंगा ना तो इसको देखेगा भैया, सही है, और अगर मैं पुट करूंगा तो इसको देखेगा, डिलीट करूंगा तो इसको देखेगा। अभी हम चारों करके देखते हैं, ठीक है, अभी हम चारों को हिट करके देखते हैं, अभी हमने गेट करवाया, अभी हम उसमें ऐड भी करवाते हैं, उसको उसमें पोस्ट भी करवा के देखते हैं। अच्छा, पोस्ट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक चुमना मुन्ना सा फॉर्म चाहिए छोटा सा मुझे, तो वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा जी फॉर्म, सजेशन देना बंद कर दी, अच्छा JSX नहीं लिखा हुआ, JSX कर देता हूँ उसको, अभी यार तुम देखो, तुम्हें सब पता है कि क्या हो रहा है, तुम देखो, सही है ना, तुम बोलो, तुम्हें तो पता है ना सब क्या हो रहा है, तो तुम बाकी क्लास को सीखने का मौका दो, तुम ड्राइव करने की कोशिश नहीं करो क्लास को, भूल गया हो तो देखो दोबारा याद आ जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
कैसे नहीं बोल लिया हूँ यार, कोई नई बात कर लिया करो कभी, बाइक पंचर हो गई। जिंदगी के मसले खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। ये भी पैसा आपने गाड़ी में भी पूछा, हमने कैसी गाड़ी था 500 रुपये 300 रुपये लगा। अच्छा यार मैं वो फॉर्मिंग उठा लेता हूँ ना जल्दी से वहाँ से जाइए। मैं ये क्यों मिला वजह इसमें लगा हुआ हूँ, फॉर्मिंग वाला कहाँ गया मेरा कोड? 9 गुड स्ट्रैटेजी 12। मैं यहाँ से ना फॉर्मिंग का कोड उठा लेता हूँ जल्दी से। फॉर्मिंग इम्पोर्ट हो गया, क्योंकि मैं जितने में मैनुअली फॉर्म बनाऊंगा ना उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ करना पड़ता है। हाँ ठीक है जी। और मैंने ये अंदर हुक भी बना लिया, और हुक के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा फॉर्म भी उठा लिया यहाँ से। ठीक है, जस्ट टू सेव सम ऑफ माय टाइम। अच्छा ये मैंने मटेरियल आइकन से भी ये चीज़ें, मटेरियल से भी कुछ चीज़ें उठा ली मैंने। यब को मैं हटा दूंगा ना, वैलिडेशन की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से जाके ना उसको डेवलपमेंट वर्जन को रन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में ना मैं डेवलपमेंट को चीज़ें सेट नहीं कर सकता इतनी आसानी से, बड़े मसले होते हैं। CD 18 CD web NPM start। ठीक है जी, मैंने NPM स्टार्ट किया, और मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने फॉर्म वगैरह सब कुछ पेस्ट किया है आया कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। मटेरियल यूआई के अलावा किसी चीज़ का मुझे इशू नहीं है इसमें से, मुझे कह रहा है कि कोई ब्रैकेट ऐसी मैंने छोड़ दी है वो क्लोज नहीं हुई किसी तरह से। एक मिनट, ये डिव मैंने ओपन की क्लोज की, अब ये फॉर्म जो है ना मेरा इसमें कोई इशू है, फॉर्म नीचे बंद नहीं हुआ होगा। ठीक है आप सही हुए। अच्छा एक तो ये मसला था, अब इसने मुझे मटेरियल यूआई का एरर दिया, तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे आके इसको मैं रोक देता हूँ, और npm i करके क्या करूँगा मैं @MUI, यही था क्या था उसका, देख लेता हूँ। आइकन यूज़ नहीं किया गया इसमें, इंस्टॉलेशन में गया मैं और मैंने ये तीनों चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे लगे पेस्ट कर दी। हाँ ना क्या नहीं, मतलब न्यू एप्लीकेशन तो छोटी होती है ना, उसमें क्यों लैग होता है? ये तो गलत है ना यार। नहीं मेरे पास भी आना चाहिए ना फिर, अगर कोई ऐसा इशू है तो, मेरे पास तो नहीं आया। अबे भाई ये इसमें भी कर लिए मैंने एक दफ़ा क्लास, इसमें भी नहीं आया। अच्छा तो तुम्हारे पास क्या है? 4 GB RAM है और SSD नहीं है। SSD का मसला है, ये प्रोसेसर का इशू है ही नहीं, SSD का इशू है। अगर SSD नहीं है तो उसी का इशू है। वो NPM जो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर है ना, कभी गलती से तुमने डिलीट कर दिया ना उसको, तुम्हारा पूरा PC स्टक हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। या कभी प्रोजेक्ट को तुमने कॉपी कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, तो भी रो जाता होगा वो। SSD का इशू है, वो प्रोसेसर का इशू नहीं है। क्योंकि अभी मेरा जो मैंने एक लैपटॉप अभी भांजे को दिया है अपने,
लेके वो सेकंड जनरेशन है कोर i5 है और उसमें 8GB रैम है, लेकिन वो बहुत स्मूथ चलता है। वो मेरा सबसे पहला लैपटॉप था, मेरे पास रखा हुआ था वो। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि मैंने 2012-13 में वो लैपटॉप ख़रीदा था 84-70, और वो अभी भी उसको मैं चला रहा हूँ, बहुत स्मूथ चलता है वो। वो रीज़न बस यही, उसमें SSD मैंने न्यू लेकर लगवा ली थी उसी वक्त, और 4GB रैम के साथ वो मुझे मिला था, फिर बाद में मैंने 4GB और डाल ली उसमें। मेरा सबसे पहला लैपटॉप था वो, तो मैंने अभी उसको दिया है, अभी वो बिल्कुल सही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। तो मतलब जो तुम्हारे पास कोर टू डू होगा ना, जो नए जनरेशन वाला, वो उससे भी पुराना है, वो सेकंड जनरेशन है। अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ये जो मेरा ख्याल है ये तो 7th जनरेशन है जो यहाँ रखे हैं, 7th जनरेशन मशीन है। तो प्रोसेसर का इशू नहीं है, प्रोसेसर इतना यूज़ भी नहीं करते यार ये। क्या कह रहे हो तुम, फोन करता हूँ तो। ये इस वाले मेरा प्रोजेक्ट, नहीं तुम इसी रेपो से करते हो ना, या तुमने फोर्क लिया हुआ उसको करते हो? यार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गिटहब से क्लोन कर रहे हो और कुछ फाइलें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बताना मुझे फिर कभी अगर हो रहा है ऐसा तो। अच्छा तो मैंने फॉर्मिक और मटेरियल यूआई, यार दोस्त यहाँ तवज्जा ज़रा दे दें आज, हमें जल्दी से ना आगे बढ़ना है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से स्लो स्लो लेके चल रहे हैं क्लास को। अब इसको क्या मसला हुआ? वैलिडेशन स्कीमा तो हटा देते हैं ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं। ऑन सबमिट का फंक्शन हम वहाँ से उठा लेते हैं, सही है। ऑन सबमिट पर इन्होंने जस्ट कंसोल करवाया हुआ है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम API कॉल कर देंगे उसके अंदर। अच्छा तो आज हमें जल्दी से आगे बढ़ना है, और आज इंशाल्लाह हम लॉगिन साइनअप की API बना के उठेंगे यहाँ से। अभी कितना टाइम है हमारे पास, 9:56 हो रहे हैं, सही है, एक घंटा है पूरा हमारे पास, बल्कि 1.5 घंटा ना, 11:30 तक पढ़ेंगे। अच्छा हाँ सुबह ही चलेंगे, मैं चला जाऊँगा, तुम लोग सुबह जाना, यहाँ बैठ जाना, प्रैक्टिस करना पूरी रात। अच्छा तो जी अब मैं देखता हूँ कि मेरी ऐप में क्या दिख रहा है मुझे, मुझे मेरी ऐप में ये दिखना शुरू हो गया, ठीक है जी। मेरे पास क्या है, 2-3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और मेरे पास एक बटन है। अच्छा इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेस से ज़रा मैं नाम वगैरह चेंज कर दूँ, मैं मुझे चाहिए नेम, सही है, ईमेल और एड्रेस, सही है, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा नीचे जाके भी मैं क्या करता हूँ, तीनों के नाम को ज़रा मैं सही कर देता हूँ, लेबल इसमें आउटलाइन लगा हुआ है ना, मैं इसमें कह देता हूँ नेम, ठीक है जी, और मैंने कहा नेम, मैंने कहा नेम, ठीक है जी, तीनों को मैंने नेम नेम कर दिया। उसके बाद नेम के पास मेरे पास है ईमेल, ईमेल सही है, और उसके बाद है मेरे पास एड्रेस, ठीक है जी। तो नेम आ गया मेरे पास, ईमेल आ गया, और आउटलाइन क्यों आ रहा है अभी तक इसमें? अच्छा ठीक है जी, नेम, ईमेल और एड्रेस, और इस बटन को मैं कर देता हूँ कि भाई ऐड, ठीक है जी, इस बटन को मैंने कर दिया ऐड। अच्छा इतना जी रेडी हो गया मेरे पास। अच्छा अब इसको ना मैं यूज़र नहीं करता, मेरे ख्याल यूज़र थोड़ा सही नहीं रहेगा, मैं इसको कर देता हूँ टू डू, ठीक है, या इसको मैं क्या करूँ, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो एक से ज़्यादा होती है। नहीं लॉगिन साइन अप इसके अगली एक नई ऐप क्रिएट करेंगे उसके लिए, ये तो फर्स्ट है ना, ये गेटिंग स्टार्टेड है, इसके बाद हम एक नई ऐप स्टार्ट करेंगे इसको। चलो यूज़र ही है, ठीक है, एडमिन है, बड़ा एडमिन है जो यूज़र ऐड कर रहा है, ठीक है, सुपर एडमिन है जो यूज़र ऐड कर रहा है। अच्छा तो ऑन सबमिट में मुझे क्या करना पड़ेगा, यही एक्सियोस की API कॉल करनी पड़ेगी, यही एक्सियोस जो है ये मुझे कॉल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसके साथ कॉल करना पड़ेगा, पोस्ट के साथ, एग्जैक्टली सही है। मैं कहूँगा गेट को पोस्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी, मैंने पोस्ट कर दिया इसको। अच्छा और पोस्ट करने के बाद मुझे पोस्ट पर मैं हाथ रखूँगा ना जैसे ही,
तो ये मुझे बता रहा है कि पहले आर्ग्यूमेंट में मुझे स्ट्रिंग चाहिए यूआरएल और दूसरे में मुझे डेटा चाहिए, ठीक है जी। तो मैं अब यहाँ पे कॉमा डालूंगा एक अदद और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा। इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या लिखूंगा, जो तीन चीज़ें मुझे भेजनी है यहाँ पे, मैं लिखूंगा नेम, ठीक है जी, और ईमेल और एड्रेस, ठीक है। अच्छा, मुझे ये वैल्यूज़ जो मिल रही हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज़ डॉट करके मुझे नेम मिल रहा होगा ऑफकोर्स, ठीक है। इन वैल्यूज़ को वैसे कंसोल भी कराया हुआ है तो वहाँ पे भी आता रहेगा ये। अच्छा, मैंने कहा वैल्यूज़ डॉट ईमेल, ठीक है जी, और मैंने कहा वैल्यूज़ डॉट एड्रेस, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अभी मेरा कोड ये चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी ये नीचे वाला डेटा लाना बंद कर दिया इसने, उसका रीज़न पता ही है, उसका रीज़न ये है कि अब ये जो स्लैश की रिक्वेस्ट कर रहा है ना, देखो ये कहाँ कर रहा होगा, वो उसको मिल नहीं रहा होगा यहाँ से। ये मैं जाऊँगा ना ऐसे नेटवर्क में और मैंने रिफ्रेश किया तो नोट करो, ये प्रोफाइल की रिक्वेस्ट कहाँ कर रहा है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश API, क्योंकि अभी 3000 पर खड़ा हुआ हूँ तो ये 3000 पर रिक्वेस्ट कर रहा है। It's 10 o'clock. तो इस तरह करके, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आमतौर पर ये कर देता हूँ कि एक बेस URL का ना वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, var base URL equals to ठीक है, मैंने कहा कि dev local host 5000, सही है, http://, सही लिखा है मैंने, http local host 5000, एक मिनट अभी मैं लगा देता हूँ, फिर हम ये सोचते हैं इस बारे में कि क्या होगा। बेस URL डॉट dev, यार मैं कैसे बनाता था ये मैं भूल गया हूँ शायद, ये तो फिर हर दफ़ा dev वाला करेगा ना, नहीं ये सही मैंने पहले ही सही लिखा था, ये बेस URL होगा, ये dev नहीं होगा, सही है, इस तरह से होगा ये पूछा। तो ये क्या करेगा कि ये किसी भी जगह पे हो, ये लोकल होस्ट 5000 को ही हिट कर रहा होगा, ठीक है, ये किसी भी जगह पे लोकल होस्ट 5000 को ही हिट कर रहा होगा। अच्छा, अभी ये क्रॉस ऑरिजिन का इशू देगा, ठीक है, ये कॉर्स लगाना, कॉर्स का इशू दिया इसमें, कॉर्स का ही दिया, किस चीज़ का दिया, ये नहीं अभी भी ये 3000 को ही हिट कर रहा है, क्यों भला, अभी ये तो, हाँ ये तो ऑन सबमिट वाले पे किया ना मैंने, मुझे यहाँ करना होगा, ये तो मैंने ऑन सबमिट वाले पे कर दिया था, मुझे यहाँ भी तो करना होगा, ठीक है, दे दिया मुझे इसने डेटा, लेकिन डेटा मुझे क्यों दे दिया, इसको क्रॉस ऑरिजिन का एरर देना चाहिए था इसको एरर, है ना, इसने तो मुझे डेटा दे दिया, ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं जाके ज़रा, मेरा सर्वर कहाँ गया, app.js, इसको तो मुझे एरर देना चाहिए था, एरर नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, नहीं बेस अभी ये 3000 पे खड़ा हुआ है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है 5000 को, तो क्रॉस ऑरिजिन का एरर तो देना चाहिए उसको, ये देखो ना 5000 पे दे रहा है, ये लोग कर, इसको मैं एम्प्टी कैशे कर देता हूँ, ओह अच्छा, वो इस वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि https पे नहीं खड़े रहे, ये https पे देता है, अभी हम नॉन सिक्योर पे खड़े हैं, तो इसलिए नहीं दे रहा मुझे, यार क्या दे दिया, हाँ
सही कह रहे हो, तो वो कैशे वैशे कर लिया होगा। खैर तो मैं ना कॉर्स को इनेबल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे जब भी डेवलपमेंट के दौरान आमतौर पर लोग कॉर्स को इनेबल ही रखते हैं, कॉर्स को इनेबल करके काम कर रहे होते हैं। गुड प्रैक्टिस का मतलब नहीं है, कॉर्स का असल में एक पर्पस होता है प्रॉपर, कि हम जब एनटीआर एप्लीकेशन में काम करते हैं ना, कि एक सर्वर है उसको चार जगह से एक्सेस किया जा रहा है, तो चारों के ओरिजिन हम वहाँ पे बता देते हैं सर्वर को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉर्स लगाना कोई गलत है, कॉर्स का एक पर्पस है, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको ये कह सकता हूँ, कॉर्स को यहाँ पर मैं कॉर्स को कह सकता हूँ कि भाई लोकल होस्ट कॉलन 3000, इससे बस आने दो रिक्वेस्ट को, इसके अलावा किसी और से नहीं आने दो। ठीक है, मैंने ये कह दिया, तो अब ये वल्नरेबिलिटी भी नहीं है, अब सही हो गया बिल्कुल। कॉमा डाल के जितना मर्जी देते जाओ, एरे दे दो उसको, पूरा एरे दे दो ऐसे करके। ये इसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ये प्रॉपर पूरा इन्होंने डिफाइन किया हुआ कि इस तरह होता है। ठीक है, उसके अलावा लोकल उस 5000 से भी एक्सेस होगा, ये 5000 से भी एक्सेस होगा, यहाँ से भी मैंने दे दिया इसको। ठीक है ना, ऐसे करके ये चलता रहेगा। अच्छा जी, अब हम पोस्ट करने लगे थे। पोस्ट करने के लिए मुझे सब चीज़ें रेडी हैं, बस मुझे सर्वर पे जाके कुछ छोटी सी लॉजिक लिखनी है कि जब भी यहाँ पे डेटा आए तो उसको क्या करो, उसको इसी एक लोकल एरे में ऐड कर लो। लोकल एरे चूँकि हम वैसा तो बैड प्रैक्टिस है, लेकिन अभी तक चूँकि हमने डेटा बेस नहीं पढ़ा, तो हम लोकल वेरिएबल में उसको हम सेव करवाने की कोशिश करते हैं। अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जो भी मैंने वहाँ से भेजा है ना एग्जॉस्ट से, वो मुझे कहाँ मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर मिलेगा। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को क्या करता हूँ, कंसोल करवा देता हूँ। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में अभी मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जो कि रीडेबल नहीं है। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए मुझे शुरू में एक लाइन लिखनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी डेटा होता है, हमने देखे किया था कि वो इनक्रिप्टेड होता है, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैं HTTPS पे नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे उसको पार्स करना पड़ेगा। तो उसको पार्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ऐप डॉट यूज, और मैं उसको कहूँगा कि भाई एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है जी, पहले बॉडी पार्सर करके एक लाइब्रेरी थी वो यूज़ होती थी, लेकिन अब वो डेप्रिसिएटेड हो चुकी है। तो अब ये एक्सप्रेस का ना अपना एक है, वो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, बॉडी पार्सर भी आप यूज़ कर सकते हैं जो लोग पहले से अवेयर हैं कि बॉडी पार्सर क्या होता है, लेकिन ये रेकमेंडेड है एक्सप्रेस की तरफ से। तो हमने ये लगा दिया जी इसमें बॉडी पार्सर के तौर पर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट मोड में इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम तो किया ही नहीं ना अभी, उसको वेरिएबल में पुश नहीं करवाया। अच्छा, वेरिएबल में पुश करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू में ही कहता हूँ लेट यूजर्स इक्वल टू एम्प्टी एरे। ठीक है, शुरू में यूजर्स क्या है, एम्प्टी एरे। मैंने कहा जो भी कुछ आए ना, यूजर्स डॉट पुश करो, और क्या उसमें पुश कराओ, एक अदर एरे। अच्छा, एरे के अंदर होगा नेम, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक है जी, और मैंने क्या किया, नेम के अलावा होगा ई मेल होगा, सही है जी, और क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, ये मैंने पुश करवा दिया, और मैंने कहा प्रोफाइल क्रिएटेड, रिस्पॉन्स में मैंने क्या भेजा, प्रोफाइल क्रिएटेड। ठीक है जी, अच्छा जब प्रोफाइल गेट हो रही है जहाँ पे, वहाँ पे भी जो मैं ये हार्ड कोडेड डेटा भेजता था ना, मैं ये नहीं भेजूंगा, मैं क्या भेजूंगा यहाँ पे, मैं कहूँगा यूजर्स उठा के भेजूँ। सही है, समझ में आ गया सबको कैसे हो रहा है ये। अब इसको हम चला के देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो ये गायब हो गया मेरे पास से, क्योंकि यूजर्स अभी तो खाली है शुरू में। मैंने उसमें कुछ नेम गाइड किया। अच्छा, एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी, वो ये करना पड़ेगा कि ये जो मेरे नीचे यूज़र को प्रिंट करवाया हुआ था ना मैंने, वो मैंने इस तरह से प्रिंट करवाया हुआ था कि थोड़ा मुख्तलिफ था वो। मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यूजर्स डॉट मैप चलाना पड़ेगा, ऐसा ही है। मैंने कहा भाई ईच यूज़र, ठीक है जी, सर यूजर जो आ रहे हैं
वो अब एरे है ना, पहले वो एरे नहीं था, पहले वो ऑब्जेक्ट था। हाँ, एरे के लिए मुझे मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि एरे अब तो उसमें एक से ज़्यादा आइटम होंगे। हाँ, रिटर्न किया मैंने, मैंने कहा एच वन में ना जस्ट उसका नाम लिख के रिटर्न कर दो। मैंने कहा भाई ईच ईच यूज़र डॉट नेम, जस्ट अभी नेम लिख के रिटर्न कर दो। मैंने रिफ्रेश किया, अभी तक वो यूज़र खाली है। क्या हुआ यूज़र? अच्छा, यूज़र शुरू में भी वो बना हुआ है, तो मैं इसको एम्प्टी एरे बना देता हूँ शुरू में भी। अच्छा, मैंने कहा नेम मलिक, और मैंने कहा कि मलिक एट सिसबॉर डॉट कॉम। उसके बाद मैंने कहा कि भाई सम एड्रेस यूज़र डॉट मैप पे, फिर एरर आ गया। क्यों भाई? लाइन नंबर 68 पे इसने एरर दिया है कि यूज़र डॉट मैप इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, पहली बात तो उसको यूज़र्स होना चाहिए ना, एस होना चाहिए उसको। इसको भी मैं कर देता हूँ यूज़र्स। अच्छा, मैं असल में ऑन सबमिट के ऊपर जो चीज़ कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी गलती से सेट यूज़र लगा हुआ है। ये गलती से सेट यूज़र यहाँ नहीं होगा, ठीक है? वो इस वजह से उसने एरर दे दिया। यहाँ पे भी गलती से सेट यूज़र लगा हुआ था, उसमें अनडिफाइंड जा रहा था, इसलिए एरर दे रहा था वो। ठीक है, सेट यूज़र सिर्फ यहाँ पर होगा जहाँ पर गेट हो रहा है डेटा। समझ आया सबको क्या मिस्टेक हो रही थी? ऑन सबमिट के अंदर जो हम डेटा भेज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इस जगह पर ना सेट यूज़र गलती से लगा हुआ छोड़ दिया था मैंने कॉपी पेस्ट के चक्कर में। अच्छा, तो अब एक यूज़र मेरे सर्वर पे ऐड हो चुका है, ठीक है? क्योंकि वो ऑन सबमिट फंक्शन तो चल गया था, फंक्शन चलने के बाद लास्ट लाइन पे एरर दिया था उसने। अब मैंने एक और किया, मैंने कहा भाई नौमान, सही है, मैंने कहा नौमान एट जीमेल डॉट कॉम। मैंने कहा ABC नौमान एड्रेस, ठीक है जी, ऐड हो गया। अच्छा, नोट कीजिएगा, वो ऐड हो गया लेकिन मेरे पास शो नहीं हुआ वो। मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो API दोबारा कॉल होगी, तो वो फिर आएगा मेरे पास। अच्छा, मैं सिर्फ नाम की जगह मैं मज़ीद चीज़ें भी डिस्प्ले करवा देता हूँ इसकी। ठीक है जी, मैंने कहा ईमेल बता दो यहाँ पे। ठीक है जी, नेम और एड्रेस भी यहाँ पे शो हो गया सर। तो आपने नोट किया कि किस तरीके से हम सर्वर की APIs लिख रहे हैं और उन APIs को यहाँ से हम हिट कर रहे हैं और हिट करके उसका डेटा मंगवा रहे हैं। अच्छा, हम एक दफ़ा अपने कोड को रिव्यू कर लेते हैं। बेस URL कैसे बनाता था मैं भूल गया, क्योंकि अभी अगर मैं इसको हेरिको पर डिप्लॉय कर दूंगा ना, तो ये लोकल उस 5000 में फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा होगा, फिर भी चलेगा नहीं। कोई कंडीशन मैंने लगाता था ना यहाँ पर, मैं हाँ अभी याद आया ना, मैं एक दूसरी ऐप है उससे मैं देख लेता हूँ मैंने कैसे लगाया। ओपन रिसेंट करके मैं जल्दी से ना किसी ऐप से मैं देख लेता हूँ कि मैं किस तरह लगाता हूँ। ये कंडीशन लगाता हूँ मैं इसके अंदर, देख रहे हो, ये कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं करके आ रहा हूँ URL गेट कर रहा हूँ कि अभी होस्ट नेम में लिखा हुआ क्या है। अगर लोकल होस्ट लिखा हुआ है
तो ये वाला करो, अदरवाइज वो फिर हरिको वाला करो। नहीं अभी मैं वही असल में लगा रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। ये बेस यूआरएल हो गया यहाँ पे, एक प्रोडक्शन का यूआरएल। अच्छा प्रोडक्शन में तो मुझे यूआरएल लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, प्रोडक्शन में मुझे यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन में स्लैश भी लगाऊंगा तो भी चलेगा। तो मैंने कहा कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम के अंदर आप देखो कि अगर कहीं पे भी लोकल होस्ट का वर्ड आ रहा है ना, उसके अंदर कहीं पे भी अगर क्या आ रहा है, लोकल होस्ट का वर्ड आ रहा है, तो आप डेव रिटर्न करो, अदरवाइज इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। अदरवाइज क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। ये मैं इस तरह लगाता था, ये मैं भूल रहा था कि मैं करता था कैसे। अब इसको करने से देखो होगा क्या, समझना इस चीज़ को। देखो ऑन सबमिट का फंक्शन है, इसमें एक API हिट हो रही है, ठीक है। अच्छा अगर तो लोकल होस्ट कहीं मौजूद होगा ना मेरे URL के अंदर, तो ये कौन सी API को हिट करेगा, लोकल होस्ट 5000/API/V1/profile। अच्छा अगर URL में कहीं लोकल होस्ट मौजूद नहीं होगा तो ये किसको हिट करेगा, इस जगह पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, सही है, स्पेस भी नहीं, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये स्लैश API, तो हरिको पर मैं होस्ट करूँगा सेम इसी तरह ये चलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा अब हम अपने कोड को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं ज़रा। मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, सही है, सारे फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी ये मेरे क्लास नंबर 18 का कोड है। क्लास नंबर 18 के कोड में जो रूट है वो एक सर्वर है, जो रूट है वो क्या है, वो एक सर्वर है। सर्वर के अंदर प्रॉक फाइल मौजूद है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल मौजूद है जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो जो मुझे चाहिए। मैंने इसके अंदर एडिशनल स्क्रिप्ट लिखी थी डेव, जिसमें मैंने कहा नॉट मोन स्पेस ये वाला, ताकि मुझे जल्दी से डेव लिखने में आसानी हो। अभी मैं पूरा रिव्यू कर रहा हूँ ना, कोड शुरू से आखिर तक रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा फिर मैंने देखा जी ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट जे एस में मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने सबसे पहले इसके अंदर लगाया हुआ है कोर्स। कोर्स में मैंने क्या बात लिखी है कि इस सर्वर को सिर्फ दो लोग हिट कर सकते हैं। अगर कोई फ्रंट एंड लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा हो वो हिट कर सकता है, अगर कोई लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा हो फ्रंट एंड तो वो हिट कर सकता है। अच्छा कल को आप हरिको पे जब डिप्लॉय करेंगे तो वही URL भी आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, वो URL भी ऐड कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो इस लिस्ट के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ URL हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा ऐप डॉट यूज, मैंने कहा एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे क्या होगा कि मेरी जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसके अंदर बॉडी में जो डेटा आएगा किसी भी क्लाइंट की जानिब से, वो बॉडी पार्स होकर मुझे यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है, उस बॉडी को ये पार्स करके शो करेगा मुझे। अदरवाइज अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो मैं बॉडी में मौजूद डेटा को गेट नहीं कर सकता। अच्छा जी जी यार वो नहीं देगा ना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, जब तुम ये देखना चाह रहे हो कि अगर मैं ये नहीं लिखूं तो क्या होगा, वो तुम करके देखोगे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूं तो बॉडी में क्या शो हो रहा होगा, तो वो आप करके देखिएगा क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल डेटा नहीं होगा, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ये मैं बता देता हूँ जी। हर पीसी के 5000 बोलेगा। नहीं ये गूगल क्रोम का फीचर है, ये गूगल क्रोम का फीचर है। मैं वैसे अगर अपनी मोबाइल से हिट करूँगा ना, मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स आती हैं, पोस्टमैन है, पोस्टमैन से हिट करूँगा तो ये फिर काउंट नहीं होगा, वो वैसे भी हिट करने देगा। तो मतलब ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है। मेरा सर्वर इससे किसी भी हाल में सिक्योर नहीं होगा, मेरे सर्वर को सिक्योर करने के लिए मुझे अलग इकदाम करने पड़ेंगे जो अभी हमने सीखे नहीं है, ठीक है। ये मेरा सर्वर को सिक्योर करने के लिए नहीं है, ये गूगल क्रोम ने एक सिक्योरिटी फीचर दिया है कि भाई अब facebook.com खुला हुआ है, समझ लो facebook.com खुला हुआ है, तो अब वो facebook.com से किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट ना कर दे, सही है, या facebook.com का सर्वर था
वो किसी और वेबसाइट पे खड़ा होकर facebook.com को रिक्वेस्ट ना कर दे। ये गूगल क्रोम ने अपने सिक्योरिटी फीचर दिए हैं एक लेमैन को सिक्योर करने के लिए। हाँ, ये लेमैन को सिक्योर करने के लिए, आपके सर्वर को सिक्योर नहीं करता। हाँ, ताकि क्रॉस ओरिजिन, क्योंकि हैकर वगैरह ना बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको। क्या फेसबुक पे खड़े हुए हैं, आपको क्या किया, फेसबुक के अंदर एक स्क्रिप्ट चला दी, स्क्रिप्ट क्या कर रही है, डेटा कलेक्ट करके कहीं और भेजती जा रही है किसी और सर्वर में, तो आपका डेटा वहाँ सेव हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना गूगल क्रोम ने ये सिक्योरिटी फीचर दी है, लेकिन आपका सर्वर इसको लगाने से सिक्योर नहीं होगा। नहीं, कोर्स लगा हो या बंद हो, लेकिन मैं पोस्टमैन से हिट करूंगा, कोई इशू नहीं देगा। लास्ट टाइम याद है मैंने पोस्टमैन से हिट किया था, कुछ कहा इसने कि क्रॉस ओरिजिन का इशू है, ये कुछ भी नहीं कहा इसने। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गूगल क्रोम से हिट कर रहे हैं आपको, जो पोस्टमैन से आपकी API हिट कर रहे हैं उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स उसमें है या नहीं। हाँ, तो इसको मैं फिर हटा भी दूँगा, फिर उसको मैं हटा भी दूँ तो फर्क नहीं पड़ता, फिर इसको हटा दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ उसी सूरत में इसको हटा सकता हूँ जब मेरा सर्वर और मेरा फ्रंट एंड सेम डोमेन पे मौजूद हो, सेम एड्रेस पे मौजूद हो। जी, सर्वर, हाँ नहीं, कोई भी हिट कर सकता है, लेकिन सर्वर तो होता ही पब्लिक है ना, सर्वर तो कोई भी हिट कर सकता है। हाँ, तो मैं उसकी ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा, वो हमने अभी सीखा नहीं है, अभी हम लॉगिन साइनअप करने वाले हैं ना, अभी हम सीखते हैं उसको, ठीक है, अभी हम लॉगिन साइनअप करने वाले हैं, अभी हम सीखते हैं। तो मेरी कुछ APIs ऐसी होंगी जो बिल्कुल पब्लिक होंगी, और कुछ APIs ऐसी होंगी जो जब तक बंदा लॉगिन नहीं करता ना वो उसको हिट नहीं करने देगा, तो ये हम इंशाल्लाह सीखते हैं अभी। अच्छा, तो हम ये कोड रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने कहा express.json लिख दो, ताकि उससे क्या हो कि बॉडी मेरी पार्स हो जाए, जो भी यूज़र भेज रहा है बॉडी में। एक ही डोमेन पे आ गया। हाँ, अच्छा, फिर मैंने कहा कि app.use/ की रिक्वेस्ट पे क्या दो मुझे, express.static करके मुझे बिल्ड का पूरा फोल्डर दे दो, यानी कि पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन वो मुझे दे दो। तो जैसे ही बंदे ने लिखा, जो भी सर्वर का एड्रेस था लोकल होस्ट 5000 है मेरे केस में, तो जैसे ही बंदे ने लोकल होस्ट 5000 लिखा, ये पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन उठा के उसको भेज देगा ये। अच्छा जी, आगे चला मैंने मैंने एक यूजर के नाम से एक एम्प्टी एरे बना लिया। फिर मैंने कहा कि जब भी कोई कहे गेट प्रोफाइल, तो वो यूजर उठा के भेज दो, सही है। फिर मैंने कहा जब भी कोई कहे कि पोस्ट प्रोफाइल, यानी एक प्रोफाइल पोस्ट करने की कोशिश करे और वो बॉडी के अंदर डेटा भेजे अगर, तो उस बॉडी को, उस बॉडी में जाहिर है एक यूजर होगा, उस यूजर को पुश कर दो यूजर्स के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह पुट और इसी तरह डिलीट भी बना सकता हूँ, लेकिन वो मैंने अभी बनाया नहीं है। तो ये मेरे सर्वर का पूरा ओवरऑल कोड हो गया। सर, जी एक बात सर, आप ये लाइन नंबर 10 है, आपको जो डेवलपमेंट फेज है ना, इसको ये तो काम नहीं कर रही है। कर रही है नहीं, अभी नहीं कर रही, लेकिन करेगी अगर मैं लेबल स्लैश करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट में इस पर रिक्वेस्ट लग नहीं रही असल, लेकिन ये सर्वर का पार्ट है। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया कि कैसे चल रहा है। अब हम अपने देखते हैं वेब में क्या करा हुआ है हमने। वेब में गया मैं, ठीक है जी, वेब के इंडेक्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, वेब का इंडेक्स एज इट इज़ है, जैसा बॉयलरप्लेट में होता है। फिर मैं app.js में आ गया। app.js को शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले ये CSS की फाइल की तो ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। Exhaust को अपने पास इंस्टॉल कर लिया और ऊपर रिक्वायर भी कर लिया। Exhaust हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी सर्वर को हिट करने के लिए Exhaust हम लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। Exhaust के अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा यूज़ स्टेट, ठीक है जी, यूज़ स्टेट मैंने कह दिया और यूज़ इफेक्ट मैंने कह दिया। इन दोनों चीज़ों को चूँकि मैं अपने कंपोनेंट में इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने फॉर्मिक को अपने पास इंस्टॉल कर लिया और ऊपर रिक्वायर भी कर लिया, ठीक है जी। फॉर्मिक मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर्म को सबमिट करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैंने मटेरियल UI से 3 कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिए जो मैं अपने ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, जिसको स्टैक, टेक्स्ट फील्ड और बटन। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक मैंने बेस URL के नाम से वेरिएबल बना दिया, जिसमें मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे URL में किसी जगह लोकल होस्ट मौजूद है तो मैं इसके अंदर पूरा बेस बना के सेव करवाता हूँ, जो डेव वाला URL लोकल होस्ट 5000।
अगर उसके अंदर कहीं पे भी लोकल होस्ट मौजूद नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो मतलब कुछ भी नहीं है उसकी जगह पर जी। चला के देख तो लिया हमने, नहीं नहीं एम्प्टी में भी चला के देखेंगे, चलेगा यार ये मैं प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा हूँ ऐप में ये वाला मेथड। हाँ ये एक वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है। कल को मेरे डेफ का भी URL चेंज हो सकता है ना, तो मैंने इसलिए वेरिएबल में रखा है उसको। और ये असल में यहाँ नहीं होगा, ये ग्लोबल प्लेस पे होता है। core.js करके एक फाइल अलग बना लेता हूँ, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उसको हम अलग कैसे बनाते हैं जो पूरी ऐप में मेरे अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा लेकिन अभी हम सिंगल कंपोनेंट में कर रहे हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने उसके बाद एक अदद यूज़ इफेक्ट बनाया और यूज़ इफेक्ट में मैंने गेट प्रोफाइल की API को कॉल किया, सही है जी। और गेट प्रोफाइल को उठा के अपने स्टेट में रख दिया, ठीक है जी। ये समझ आ गया, ये दोबारा नहीं चलेगा। नीचे मैंने इसको MDRA रखा है, ये एक दफ़ा ही चलेगा पेज लोड होने पर, उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा फिर मैं आया अपने फॉर्म के ऊपर, सॉरी अपने कंपोनेंट के ऊपर, मैंने नीचे जाके उस स्टेट को स्क्रीन पे रेंडर करवा दिया, जो मैं गेट यूज़र कर रहा हूँ उसको मैंने स्क्रीन पे रेंडर करवा दिया। एक एरे की सूरत में मुझे मिल रहा था वो, तो इसलिए मैंने मैप चलवा के उसको स्क्रीन पे दिखा दिया। अच्छा जी तो ये गेट होने वाला काम तो मेरे पास हो गया पूरा, ठीक है जी। अच्छा फिर सबमिट करने वाला जो काम था उसमें मैंने टैक्स फील्ड बना दी, नंबर एक टैक्स फील्ड, नंबर दो टैक्स फील्ड और नंबर तीन टैक्स फील्ड, ठीक है जी। ये टैक्स फील्ड फॉर्मिक से बनी हुई है, फॉर्मिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई इस क्लास में नहीं था तो फॉर्मिक वाला कोड आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्म कैसे काम कर रहे हैं। और नीचे इसके एक बटन बना दिया मैंने, बटन को मैंने कह दिया कि भाई ये टाइप सबमिट है इसकी, ठीक है जी। तो मैं इस फॉर्म को दोबारा से क्लोज कर देता हूँ और ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा जनाब, ये ऑन सबमिट का फंक्शन चलेगा। इस ऑन सबमिट के फंक्शन पे मैंने वैल्यूज़ को कंसोल भी करवाया और सर्वर पे भेजा भी है इसको। सर्वर पे मैंने कौन सी API पोस्ट की है, पोस्ट प्रोफाइल, और साथ में मैंने जेसन डेटा भी भेजा है, ठीक है। ये जेसन डेटा अगर मैं भेजूंगा तो जब भी वो ऐड होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। और मैंने इस जब सर्वर पे डेटा भेजा तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आया, रिस्पॉन्स पर मैंने जस्ट कंसोल करवा दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। ये सबको समझ आ गया कोड, एक्सियो। देखो जब मैं पोस्ट करूंगा ना तो स्क्रीन पे मेरे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा होगा, री रेंडर कुछ भी नहीं हो रहा होगा। मैंने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे, कुछ यहाँ लिखा और ऐड कर दिया, वहाँ चला गया लेकिन स्क्रीन पे नहीं आया मेरे। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आएगा ये, क्योंकि वो शुरू में एक ही दफ़ा चलता है ना। अच्छा इसको मैं बाय द वे ये भी कर सकता हूँ कि जब भी मैं सबमिट करूँ ना, ऐड प्रोफाइल करूँ, तो मैं उसको दोबारा से मंगवाने वाला कोड भी दोबारा करूँगा, ठीक है, कर देता हूँ बल्कि वो मैं। पता है ना तुम्हें मैं एरर डिपेंडेंसी कराने लगा हूँ, फिर भी कर रहा हूँ यार, धीरज रखो यार थोड़ा, ये बच्चा अटेंशन ग्रैबर है, अटेंशन सीकर। अबे लड़कियाँ होती है अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर। अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टॉगल गेट यूजर, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई सेट टॉगल गेट यूजर, इसको मैंने शुरू में फॉल्स रख दिया, कुछ भी रख सकता हूँ शुरू में मैं, ठीक है, शुरू में मैंने फॉल्स रख दिया। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ इसके यूज़ इफेक्ट में, यूज़ इफेक्ट में ये वेरिएबल पास करवाने से क्या होगा कि ये URL जब भी चेंज होगा, ये वेरिएबल जब भी चेंज होगा यूज़ इफेक्ट एक दफ़ा दोबारा चल जाएगा। समझ आइए ये सबको, नहीं समझ आया? देखो मैंने एक स्टेट बनाई, एक स्टेट बना दी, मैंने उसको रखा फॉल्स, शुरू में मैंने क्या रखा उसको, फॉल्स रखा उसको, ठीक है जी। अच्छा वो वेरिएबल मैंने अपने यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे में पास कर दिया। डिपेंडेंसी एरे में पास करने का मतलब ये होता है कि जब भी ये वाला वेरिएबल चेंज होगा ये यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। शुरू में तो एक दफा चल गया यूज इफेक्ट, लेकिन दोबारा ये कब चलेगा, जब इस वेरिएबल में चेंज आएगा,
अच्छा यहाँ पे मैं एक से ज्यादा वेरिएबल भी वैसे दे सकता हूँ, कॉमा डाल के मैं जितने चाहूँ दे दूँ, तो उनमें से किसी एक में भी चेंज आ गया ना तो ये पूरा चल जाएगा दोबारा। तो अभी मैंने फिलहाल एक वेरिएबल दिया। अच्छा अब मैंने क्या किया, ऑन सबमिट में आके, ठीक है जी, ऑन सबमिट में आके जब मेरी सबमिशन कंप्लीट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को ना चेंज कर दूंगा, इस यूआरएल को क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही इसमें चेंज आएगा गेट दोबारा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही मैंने ऐड किया ना फॉरन रियल टाइम में गेट हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हम खुद से उसको ट्रिगर करवा रहे होंगे। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई सेट टॉगल गेट यूजर, और इसको मैं क्या करवा दूँ, ट्रू करवा दूँ, नॉट करवा दूँ, सही है, नॉट करके TOGGLE टॉगल यूजर में अभी जो भी है उसको नॉट कर दो। तो उससे क्या होगा, जितनी बार भी ये चलेगा ना वो ट्रू फॉल्स ऐसे होता रहेगा। सेव किया मैंने इसको, मैं आके इसको रिफ्रेश करके चला के देखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कुछ और नाम, सम नेम, कुछ ईमेल, ठीक है जी, कुछ एड्रेस, और मैंने ऐड का बटन दबाया। तो आपको ऐसा लगा होगा कि रियल टाइम में आ रहा है, लेकिन असल में ये रियल टाइम में नहीं आ रहा। मेरे जब सबमिशन कंप्लीट होती है ना, सर्वर पे जाके रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है भाई हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा अपने इफेक्ट को दोबारा चलवा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियल टाइम में शो हो रहा है। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया भाई तुमको, तुम्हारा कोई सवाल समझ में आ गया ना? ठीक है, पेज पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, यानी तुम कह रहे हो कि चार कंपोनेंट एक साथ लोड हो रहे हैं, तो किसका यूज हमें पहले चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, चारों एक साथ चलेंगे, इसकी कोई गारंटी क्यों, ये इसकी सवाल क्यों पूछा तुमने? ये फायरबेस पे मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, ये पिछले दोनों फायरबेस पढ़ रहे थे, तो उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए मैंने क्या किया था, रूट कंपोनेंट में रखा था, लेकिन एक्चुअल में हो रहा क्या था कि रूट कंपोनेंट का यूज हमें पहले चल जा रहा था। ठीक है, क्योंकि असल में चक्कर ये है कि ये सारे कंपोनेंट को कंपाइल करके ना ये एक सिंगल फाइल बनाता है। अब सिंगल फाइल में वो कोड ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि कहाँ आ जाए, जिधर वो आएगा वो पहले चल जाएगा। तो ये वाला चक्कर है, अगर आपको कोई काम बिल्कुल पहले करवाना है तो आपको उसके लिए अलग फाइल बनानी होगी, जैसे कि फायरबेस वाला कोड आप जाके देख सकते हैं उसमें मैंने किस तरह किया हुआ है, तो आपको वैसे करके करना होगा अगर आपको वाकई कोई चाहते हैं कि कोई चीज़ सबसे पहले चले। ठीक है जी, तो ये हमने एक कोड लिख लिया, सही है, कर लोगे ये सारा खुद से। npm run build इसलिए किया था हमने कि हम चाह रहे थे, ये पेंट खोल के दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अबे भाई क्या हो रहा है। अच्छा भाई, तो ये मेरा जो ये वाला कोड है ना यार, इधर देखो जो पूछ रहा था npm run build वाला, देखो ये वाला जो कोड है ना मेरा, ठीक है, ये वाला कोड डेवलपमेंट वर्जन है उसका, ये अलग जगह पे चल रहा है, npm स्टार्ट किया लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, ये मेरा सर्वर है ये अलग 5000 पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डेवलपमेंट वर्जन है ना ये कभी भी प्रोडक्शन में मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि ये स्लो होता है, ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये प्रोसेसर ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये एफिशिएंट वर्जन नहीं होता, ये डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। ठीक है, मैं इसका एक प्रोडक्शन वर्जन बनाऊंगा जो कि एक सिंगल फोल्डर होगा, सेल्फ सस्टेनेबल होगा, उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब उसमें शामिल हो जाती है पूरी। ठीक है, नंबर तीन ये कि प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, छोटी फाइल होती है निस्बतन, प्रोसेसर और रैम निस्बतन कम ले रही होती है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज ये कोड होता है हमारा जो मैं डेवलप कर लेता हूँ अलग। ठीक है जी, ये डेवलप करके मैं सर्वर के कोड में डाल देता हूँ, तो ये डेवलप करने के लिए मुझे npm run build चलाना होगा। मैंने कहा जी npm run bu npm run build, ठीक है जी, npm run build हो गया, मैं इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया मैंने, अब मेरा सिर्फ सर्वर रन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लोकल इसको, अब तो ये चलेगा नहीं, 3000 तो मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या कहा,
5000 को खोला, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन में चल रहा है, ठीक है, मैंने कुछ नाम लिखा, अच्छा आप देख रहे हैं वो सब गायब हो गया, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, जब भी सर्वर रीस्टार्ट होता है वेरिएबल सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है, मैंने कुछ ईमेल लिखी, कुछ एड्रेस लिखा और मैंने ऐड का बटन दबाया, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है जी। अब जल्दी से क्या करते हैं, इसको हम हरिको पे डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। कैसे डिप्लॉय करूँगा मैं हरिको पे, गिट में पुश करूँगा इसको मैं, और गिट में इसको मैं कैसे पुश करूँगा, मैं हरिको पे जाता हूँ पहले, दो बना लो, तीन बना लो, अकाउंट बना थोड़ी, हाँ रिमूव का ऑप्शन आ रहा होता है ना वहाँ पे, अभी करता हूँ। अच्छा लास्ट टाइम मैंने ये इंजी वाली ऐप थी इस पर डिप्लॉय किया था, मैं ज़रा देखता हूँ इसमें रिपोजिटरी कौन सी मैंने कनेक्ट की हुई है, मैं अपना कोड उसी रिपोजिटरी में पोस्ट कर देता हूँ। डेमो सर्वर हरिको में मैंने पुश किया था, ठीक है ना, तो डेमो मैं इसका कोड पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैंने कहा जी मैं इसको उसमें खोला मैंने फाइंडर में, और मैंने इसका पूरा कोड मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है जी, और ये मेरा डेमो सर्वर देखता हूँ कहाँ पे रखा हुआ था मैंने, डिलीट दिस में होगा, ये रहा डेमो सर्वर हरिको, मैंने डेमो सर्वर में सारा कुछ डिलीट किया, ठीक है जी, डिलीट करके मैंने ये वाला कोड पेस्ट किया उसमें, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिपोजिटरी पहले से मेरी कनेक्ट है इनजी पे, उसमें मैं ये सारा कोड पुश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो नॉट मॉड्यूल के फोल्डर में ये भी रो देता है, हाँ छोटी छोटी फाइलें होती है ना उसमें बहुत सारी, 4K रीड राइट चल रहा होगा, कोई कह रहा है कुछ, तो मैंने वही कोड एज इट इज उठा के पूरा पुश कर दिया है। अब देखता हूँ यहाँ पे पहुंचा है वो कोड या नहीं पहुंचा, ठीक है, बिल्ड स्टार्टेड हो गया है, ठीक है जी, बिल्ड स्टार्टेड हो चुका है, और हम देखते हैं कि वो कोड एज इट इज यहाँ पे पहुंचा है और वो यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरा कोड चल चुका है, मेरा कोड चल चुका है, और मैं इसमें कुछ भी लिख के यहाँ पे एंटर करूँगा और ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये
रहेगा, ये कब तक रहेगा, जब तक मेरा हरिको का सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक ये रहेगा। अच्छा, आप सब भी ज़रा कोड खोल के चेक करें, nz.hariko.app.com, ज़रा जल्दी से सारे लोग खोलें और इसको चला के देख लें अपने हाथ से। अच्छा चलो छोड़ो, फिर स्क्रीन पकड़ी हुई तुरंत। चलो मैं ये आपके बिहाफ पे एक मैं लिख देता हूँ कुछ, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक लिख दिया, ठीक है, ये आपके बिहाफ पे मैंने लिख दिया। अच्छा तो ये ऐप चल गई हमारी जनाब। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि इस ऐप को हमने गिट में पुश कर दिया, मैंने कहा टुडे कोड। यार उसी तरह होता है जैसे स्मार्ट ग्रिड होता है, मैं रूट पे खड़ा हुआ या ग्रिड इनिशियलाइज है, जो भी आ रहा है नाम लिखो और पुश कर दो, हो गया। मतलब तुम्हारे सामने ही करता हूँ, मैं छुपा के तो नहीं कर रहा, फिर भी पूछ रहे हो कैसे होता है। चलो एक और, नहीं यार छुपा के कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन हटा देता हूँ करते हुए। अच्छा भाई, अच्छा अब मैं ये क्लास नंबर 18 की ना एक कॉपी बना रहा हूँ, और यही सेम चीज जो मैं लोकल वेरिएबल में सेव करता था उसको मैं कहाँ सेव करूँगा, MongoDB के डेटाबेस में सेव करूँगा, ठीक है जी। तो मैं इस पूरे फोल्डर की एक अदर कॉपी बना लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है जी। और कॉपी बनाने के बाद मैं इतनी देर में क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ MongoDB क्लाउड पे, ठीक है जी। ये सबसे टॉप पे मेरा आ गया MongoDB क्लाउड। MongoDB क्लाउड पे मैं साइन इन कर लूँगा यहाँ पे जनाब। अच्छा आप लोग साइन अप करेंगे, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ तो मैं साइन इन करूँगा। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा इसकी हायरार्की कैसे है। इसकी हायरार्की इस तरह है कि सबसे रूट पे ना इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे ये वाली, ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, तो पहले आपसे वो कहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फिर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट के अंदर फिर आपसे ये कहेगा क्लस्टर क्रिएट करना, ठीक है, क्लस्टर। और फिर आपको ये क्लस्टर जैसे क्रिएट करेंगे ना, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन फ़ौरन नहीं आएगी। वो कहेगा कि यार आप 5 मिनट वेट करें, आपका जो क्लस्टर है वो क्रिएट होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो MongoDB पहले कर चुके हैं, ये सब अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं? अच्छा आधे लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा बाकी लोगों की मैं स्क्रीन यहाँ से छोड़ रहा हूँ, जल्दी से इस पर साइन अप करके ना इसको आप क्रिएट करके इस स्क्रीन तक आ जाएँ। यार मैं, मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करना, जितने लोगों ने कर लिया है ना, वो ये वाला ना घर जाके क्या करना है, ये वाली स्क्रीन खोलना, एक नया अकाउंट बना के, या यहीं पे किसी के, अभी क्लास खत्म होने के बाद ना किसी एक बंदे के जिसका नहीं हुआ है, उसको बनाना है ऐसे क्लिक क्लिक, या क्लिक क्लिक है जैसे कुछ भी नहीं है, जिसको अंग्रेजी आती है ना वो पढ़ के क्लिक कर लेगा। खैर तो वो करके ना व्हाट्सएप पे एक छोटी सी वीडियो चला देना ताकि पता चल जाए, बल्कि YouTube की मैं खुद ही कोई वीडियो ढूंढ के बता दूंगा कि ये सेटअप कैसे होता है। आपको इस स्क्रीन तक आना है, इस स्क्रीन पे आने के बाद आप ये कनेक्ट का बटन दबाएंगे ना जब, ठीक है, तो आपसे ये 3 सवाल पूछेगा आपसे। ये नंबर एक कि आपको कनेक्ट कैसे करना है अपनी एप्लीकेशन से, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने ये बीच वाला प्रेस किया, ठीक है, कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, मुझे अपनी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन या किसी भी एंगुलर की एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। मैंने ओके किया, इसने कहा ड्राइवर कौन सा है, मैंने कहा भाई लेटेस्ट है ड्राइवर, ठीक है, 4.0 और लेटर। अच्छा उसने फिर मुझे एक URL दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इस URL को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है जी, इस URL को मैं अपने सर्वर में कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट इसको ऐसे ही अभी कॉपी कर लिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा क्लोज कर दिया आपने।
अब आप नोट कीजिएगा, इसने जो URL दिया है मुझे, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, DB यूज़र और DB पासवर्ड। ये यूज़र मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अपने, कहाँ पे, इसके अंदर, यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़र बनाने का ऑप्शन इसने दिया हुआ होगा। यूज़र का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? कनेक्ट बटन दबाया मैंने। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये पता है कैसे आएगा, ये कनेक्ट बटन जब मैंने दबाया ना तो ये ऑलरेडी सेकंड स्टेप पे आ रहा है, क्योंकि वो यूज़र मैंने बनाया हुआ है। मैं एक स्टेप बैक करूँगा यहाँ से, ठीक है, और एक स्टेप बैक करने के बाद ना मेरे पास क्या आ रहा है, ऐड अ कनेक्शन आईपी एड्रेस। इस कनेक्शन आईपी एड्रेस में आप क्या ऐड करेंगे कि एवरी कनेक्शन, वो आपसे कहेगा कि कौन सी ऐसी आईपी है जिसको आप अलाउ कर रहे हैं कि आपका डेटाबेस एक्सेस करें। आप कहेंगे एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड पे आपके पास क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र आ रहा होगा। इस डेटाबेस यूज़र के अंदर आप क्या करेंगे, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, वो आपका डेटाबेस का क्रेडेंशियल होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा लिंक आ रहा है कि आप यूज़र्स के टैब में जाके भी ये काम कर सकते हैं। मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ और वहाँ पे जाके मैं नया यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा ऐड अ न्यू डेटाबेस यूज़र, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया ABC यूज़र, ठीक है, और पासवर्ड में मैंने कुछ भी रख देता हूँ, मैं ABC पास रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है जी, छोड़ दिया मैंने, ABC पास कर दिया मैंने नाम इसका, और मैंने कहा ऐड यूज़र, ठीक है जी। अच्छा, नीचे एक्सेस भी आ रहा था, एक्सेस में मैंने कहा रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, ये एक्सेस बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने ओके कर दिया इसको। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ABC यूजर, यही था ना, ABC यूजर और ABC पास, ठीक हो गया जी। तो ये मेरा डेटाबेस का ये URL डेटाबेस के पासवर्ड के साथ ये तैयार हो चुका है मेरे पास। अच्छा, साथ साथ मैं क्या कर लूंगा, अब मैं एक सॉफ्टवेयर अपने पास ओपन कर लूंगा जिसका नाम है Robo3D, ठीक है, Robo3D के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे डेटाबेस रियल टाइम में दिखा रहा होगा कि उस डेटाबेस में क्या है, ठीक है। मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, मैंने कहा क्रिएट Robo3D, डाउनलोड करके इंस्टॉल होगा, ये सब बता रहा हूँ मैं, चलो बता देता हूँ, Robo3D मैंने गूगल पे लिखा जाके ये सॉफ्टवेयर आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ना दो हैं, हाँ, एक स्टूडियो है, स्टूडियो में क्या है, वो शुरू में फ्री होता है 30 डेज के लिए, उसके बाद फिर पैसे मांगता है, ठीक है। Robo3D जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो Robo3D आपने इंस्टॉल करना है, स्टूडियो आपने इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है जी। हाँ, कंपास भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है, फ़र्क नहीं है कोई। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, इसको गौर से देखना है इस चीज़ को, जो जो मैं स्टेप्स करवा रहा हूँ। इसको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, उसमें मैंने क्या पेस्ट कर दिया, मेरा वो URL पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं URL पुराना वाला कॉपी हुआ है, मैं ये नया वाला URL उठाता हूँ जिसमें मैंने पासवर्ड भी ऐड किया हुआ है, ठीक है जी। मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है जी। अच्छा, इस URL के अंदर देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, इस URL के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। और ये लिखने के बाद मैंने फ्रॉम SRV का बटन प्रेस कर दिया, फेल टू सर्वर, क्या हुआ। अच्छा, लास्ट में एक स्पेस मैंने छोड़ दिया, मे बी इसकी वजह से हुआ है।
इस URL को रिमूव करता हूँ। आप सही बना लिए, ये क्या बोल रहा है? कैंसिल करके मैं दोबारा करता हूँ। सही, कैंसिल कर दिया मैंने उसको। मैंने कहा क्रिएट और मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और फ्रॉम SRV का बटन है, सही चल गया। पहले पता नहीं कोई इशू हो रहा था। अच्छा, मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने न्यू कनेक्शन से हटा के मैंने कहा कि माई डेटाबेस सैलानी, ठीक है। ये जो नाम रखा है ये Robo3D के अंदर ही रहेगा, ये कहीं बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। Robo3D के अंदर देखो ये माई डेटाबेस सैलानी के नाम से आ रहा था, मैंने डबल क्लिक करके उसको कनेक्ट किया। डबल क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, उसको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है जी। माई फर्स्ट डेटाबेस आ रहा था ना इसमें, हाँ। नहीं समझ आया मेरे ख्याल आज की क्लास का कंटेंट ज्यादा होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की आदत हो गई है तुम लोगों को। मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मैं क्या ही क्या है, मैं रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या करा है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अकाउंट को भी लॉग आउट कर देता हूँ, मैं दूसरा अकाउंट एक बना लेता हूँ अपना, मैं लॉग आउट करके ना शुरू से करता हूँ। सही है, अब पूछो। अच्छा, मैं आया लॉग इन विद गूगल और मैं अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ जिससे मैंने पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैं उस डेटाबेस को यूज करता हूँ, ठीक है जी। आई एग्री एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी और सबमिट का बटन दबा दिया मैंने। यार सारे लोग तवज्जो यहाँ पे करें, बातें नहीं करें यार आपस में, ठीक है। इसको स्टेप्स को देख लो क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं होगा, फिर एक ही दफा बनता है गांव। ओके, व्हाट इज योर गोल टुडे, ये इनका ऐसे सर्वे का क्वेश्चन है, आप इसको जवाब ना भी दें तो चलेगा, ठीक है। अभी क्या नहीं चलेगा, चलो दे देते हैं, लर्न इट MongoDB, सही है। अच्छा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग, ये सर्वे क्वेश्चन है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि यार जनाब एप्लीकेशन बिजनेस इंटेलिजेंस कंटेंट मैनेजमेंट गेमिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने कहा MLAI कर दिया मैंने, ठीक है। मैं AI के लिए इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, JavaScript, ठीक है। फिनिश, इसमें इन्होंने तीन दिए हुए पैकेजेस, नंबर वन है सर्वरलेस, नंबर टू है डेडिकेटेड, नंबर थ्री है शेयर्ड। तो हमें कौन सा चाहिए, फ्री वाला चाहिए, सही है। उसके बाद इसने मुझसे पूछा कि जनाब आपका जो और रीजन है वो कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। ये प्रोवाइडर है, रीजन नीचे है उसके, रीजन ये वाला पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, रीजन आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो करीब से करीब तर हो आपके सर्वर से, आपसे नहीं, आपका सर्वर जहाँ डिप्लॉय है ना उससे करीब तर हो, क्योंकि सर्वर बात करेगा ना डेटाबेस से, आप तो नहीं करेंगे। तो सर्वर जहाँ पे भी मौजूद है, आप देखें वर्जीनिया देख सकते हैं, आप कहें ओरेगॉन, ठीक है। वर्जीनिया जो है आपके इस कॉर्नर पे US में, जो सीधे हाथ की तरफ कॉर्नर पर पड़ेगा, और US में उल्टे हाथ की, आपको जो भी उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ ओरेगॉन है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट दो कोने पर इन्होंने दो सर्वर लगाए हैं, तो जिधर से करीब पड़ता है, जैसे हरिको जो है ना फ्री वाला, वो सीधे हाथ वाला है, वो वर्जीनिया में लगा हुआ है, हरिको का जो फ्री सर्वर है, तो वर्जीनिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट। देखो फ्री वाले में ना ये दो ही रीजन है अमेरिका के, यूरोप के भी कुछ हैं, पेड वालों में कई रीजन और भी हैं, सही है। ये बेसिक दो कोने के दो दे दिए ना आपको, बस फ्री में और क्या चाहिए। पेड वाले में फिर कई और भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 15 के करीब USA की लोकेशन है इसके अंदर।
पाकिस्तान नहीं है यार अच्छा तो खैर मैंने कहा भाई सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखी मैंने। अच्छा देखो फ्री क्लस्टर में ना 500 MB फ्री है, उसके अगर ऊपर करूँगा तो $9 मंथली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एवर फ्री वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कुछ भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, रीजन बस मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने क्रिएट क्लस्टर का बटन दबा दिया मैंने, ठीक है जी। और ये मेरे पास बन के आ गया। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इसने मेरे लिए डिफ़ॉल्ट में बना दी है, इंजमाम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। प्रोजेक्ट जीरो के नाम से प्रोजेक्ट मेरे लिए खुद बना दिया इसने, मे बी इसने थोड़ा चेंज किया पहले, क्योंकि ऐसा नहीं होता था पहले, जैसे ही मैं खोलता था मैं कहता था ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, फिर क्या कहता था प्रोजेक्ट बनाऊँ, अभी इसने डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट खुद से बना दिया, अच्छी बात है ये। चलो अच्छा जी, अब आपको ये क्या कह रहा है, योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड। अभी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, ठीक है। अच्छा जब तक ये आपसे इंतजार करवा रहा है, आप जरा अपने पड़ोस वाले को समझाएं कि अभी तक शुरू से आज की क्लास में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं आप अपने ज़रा पड़ोस वाले से डिस्कस करें उसको। डेटा 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 इमेज हम इसमें रखते नहीं है ना, रखवा सकते हैं लेकिन रखते नहीं, 10 साल में भी ख़त्म नहीं होगा 512 MB इतना होता। Thank you.
It's 11 o'clock. एक दोस्त सवाल पूछ रहे हैं, कोई देखें क्या पूछ रहे हैं। V4 V6 कहीं में भी अभी प्रोडक्शन में नहीं है सर। अच्छा तो भाइयों, आपने आपस में काफी डिस्कस कर लिया कि आपने क्या किया। अच्छा, किसी का कोई सवाल अगर इस पॉइंट तक है तो वो पूछ सकता है यहाँ पर। डेटाबेस के हवाले से जो अभी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया उसमें कोई सवाल तो नहीं है। हमने यूज़र क्रिएट किया, हमने उसका लिंक कॉपी किया। अच्छा वो, लेकिन अब मैं वो पार्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल नया डेटाबेस बना दिया। मैंने कनेक्ट का बटन दबाया और कनेक्ट का बटन दबाने के बाद इसने मुझसे क्या पूछा कि ऐड योर करंट आईपी एड्रेस, यानी वो आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर करें जिससे इस डेटाबेस को एक्सेस किया जाएगा। अगर मैं अपने पीसी से कर रहा हूँ तो मैं लोकल होस्ट डालूंगा, अगर मैं हरिको से कर रहा हूँ तो हरिको का पूरा यूआरएल डालूंगा मैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, ये ऑप्शन भी मुझे दिया है इसने। तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट करके मैंने ऐड आईपी एड्रेस का बटन दबा दिया तो एक आईपी एड्रेस ऐड हो गया जो कि 0.0.0 है कि कहीं से भी एक्सेस करो, ठीक है, ये मतलब है उसका। मैंने कहा कि भाई डीबी यूजर और डीबी पासवर्ड, आप यहाँ पे अच्छा सा सिक्योर पासवर्ड रखिएगा अपने केस में। क्रिएट डेटाबेस मैंने बटन दबा दिया, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट में मुझसे पूछ रहा है आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, MongoDB शेल पे करेंगे क्या। मैंने कहा मुझे अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है इससे, ठीक है। पूछा इसने Node.js, मैंने कहा लेटेस्ट है, मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है जनाब, मैंने ये कॉपी करके और मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको तो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जो पहले से था, डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। मैंने कहा क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लाके मैंने वो लिंक पेस्ट किया। लिंक पेस्ट करके डीबी यूजर तो पहले से लिखा हुआ है, डीबी पासवर्ड भी यहाँ पे मैंने लिख दिया और सेव कर दिया उसको, ठीक है जी। न्यू कनेक्शन के नाम से ये सेव हो गया मेरे पास, न्यू कनेक्शन के नाम से हुआ। हाँ, क्या बकवास है, इसको एडिट करता हूँ और एडिट करके जरा एक दफ़ा देखता हूँ कि वही है कुछ और।
मैंने कहा कि जनाब न्यू अकाउंट कलेक्शन, न्यू अकाउंट डीबीए कर दिया मैंने इसका नाम, ठीक है भाई। फिर मुझे ज़्यादा देने लग गया, इसको क्विट करके मैं दोबारा से चलाता हूँ। फ्रॉम का बटन नहीं दबाया था मैंने, एडिट करता हूँ दोबारा उसको, मैंने पेस्ट किया दोबारा उसको, और यहाँ पे जाके मैंने डीबी पासवर्ड लिखा, फ्रॉम एसआरबी दबाया और सेव किया। हाँ यार वाकई की मैंने नहीं, मैंने दूसरा पासवर्ड पूरा लिखा, डीबी यूज़र डीबी पासवर्ड। अच्छा जी, अभी इस डेटाबेस के अंदर में कुछ भी नहीं है, खाली है ये डेटाबेस, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये जो मैंने नई एप्लीकेशन क्रिएट की है ना, इसमें से वेब को मैं एंटायरली रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सर्वर रखता हूँ, उसको पोस्टमैन से हेड करूँगा, क्योंकि वेब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ सर्वर रखा है, और इसके नाम में से भी मैंने मोंगो रिएक्ट हटा देता हूँ, मैं जस्ट मोंगो डीबी नाम रख देता हूँ उसका, ठीक है। ये सिर्फ मोंगो डीबी है, इसके अंदर रिएक्ट या फ्रंट एंड इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो मैं इसमें से रिएक्ट वाली सारी चीज़ें भी रिमूव कर देता हूँ, कोर्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्लैश पे जो मैंने फ्रंट एंड भेजा हुआ है ये हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ मैं इसमें से, यूज़र का वो हटा देता हूँ। क्या कह रहे हो, लिंक मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा, ऐसा मसला नहीं है। यहाँ से कर लूँगा, चलो मसला नहीं है, लिंक दोबारा कॉपी होगी। ठीक है, जो जो चीज़ मेरे काम की नहीं है ना, मैं उड़ाता जा रहा हूँ ऐसे। इसको भी मैंने उड़ा दिया, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ, और इसको भी मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। चूंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐप को मिनिमल बिल्कुल कर रहा हूँ ऐसे ऐप को मैं, ठीक है। क्योंकि फ्रंट एंड से आप कम्युनिकेट करना तो सीख गए ना सर्वर से, अब जस्ट उसी जहाँ पे आप लोकल एरे में पुश करवा रहे थे, जस्ट आपको उसकी जगह मंगोडीबी में पुश करवाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना होगा, शुरू में आके इसके मंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करके कनेक्ट होता है मंगो डीबी। मंगोस करके एक लाइब्रेरी है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी है उसको जरिए हम कनेक्ट कर रहे होते हैं इसको। अच्छा जी, ये मैंने ऊपर लाइब्रेरी को क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया, ठीक है। mongos इक्वल टू mongos, मुझे इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसको रोका और मैंने कहा npm, अच्छा इसको मैं cd.cd19, ठीक है, npm i mongos enter, ठीक है जी। ये mongos मैंने इंस्टॉल भी कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या कहा, उसके बाद इसने ये कहा कि एक मॉडल क्रिएट करेंगे आप। मेरे केस में मॉडल का यूजर नाम है, ठीक है जी। ठीक है, मॉडल के अंदर क्या क्या होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, और ईमेल की टाइप भी स्ट्रिंग होगी, और एड्रेस होगा। ये स्कीमा बन रहा है जी, इसको यूजर्स कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने अभी दो काम किए, मैंने क्या किया, mongos को इंस्टॉल करके ऊपर रिक्वायर किया, और मैंने साथ में क्या किया, mongos.connect करके मैंने उसके अंदर वो यू आर एल पास कर दिया। अच्छा यू आर एल गलत पास हुआ है, मैं ज़रा सही वाला यू आर एल इसमें पास कर देता हूँ।
आपने फाइव अगर आपको दे दिए ना अच्छा तेरी गई भी चल ठीक है फिर मैं बताता हूँ ठीक है फिर बताता हूँ अच्छा एक दूसरे बंदे से मैंने पता किया था उसने 1800 का बोला मैंने वहाँ का कोई जानने वाले तो कार का है वो पोस्टर का कार का नहीं उसने अच्छा जो कार में 2500 है वो कार में फूल वूल लगा के या बगैर हाँ मैं आज रात में बता दूँ अच्छा जी तो अभी तक मैंने क्या कर लिया है यहाँ पे मैंने मंगोस को अपने पास ऊपर रिक्वायर कर लिया इंस्टॉल कर लिया और मंगोस डॉट कनेक्ट करके मैंने वो यूआरएल इसके अंदर पास कर दिया है कौन सा वाला डीबी पासवर्ड ठीक है मैंने पूरा पासवर्ड कर दिया था और ये मेरे डेटाबेस का पूरा यूआरएल है अच्छा जी मैंने साथ में एक अदद मॉडल क्रिएट कर लिया है एक अदद क्या कर लिया है मॉडल मॉडल को आप इस तरह से समझें कि ये मैं रबर स्टैम्प बना रहा हूँ ठीक है एक रबर स्टैम्प बना रहा हूँ उसके बाद में क्या करूँगा उस रबर स्टैम्प पे इंक लगाऊंगा और छापता चला जाऊंगा जितने यूजर अब वो जो छप रहा है वो एक्चुअली डेटाबेस में क्रिएट हो रहा है ये जब बना रहे होंगे हम तो ये डेटाबेस में कोई जगह नहीं लेगा ठीक है ये डेटाबेस में अभी फिलहाल कोई जगह नहीं लेगा ये रबर स्टैम्प है इससे हम जब छापेंगे ना पहला यूजर तो वो जगह लेगा मेमोरी के डेटाबेस में और वो एक्चुअल में जाके स्टोर हो रहा होगा मेरे पास अच्छा MongoDB जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था स्कीमा लेस है ठीक है MongoDB का कोई स्कीमा नहीं होता लेकिन हम यहाँ पे जो मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर हम फिर भी बता रहे हैं कि नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा ये तो स्कीमा हो गया तो ये स्कीमा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें आसानी हो क्योंकि हर जगह पे आपको स्कीमा लेस की जरूरत नहीं होती कुछ जगहों पे स्कीमा लेस सर का दर्द बन जाता है ठीक है ना तो हम इस वजह से वेब एप्लीकेशन में स्कीमा के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे अच्छा अगर नेम ईमेल एड्रेस और क्रिएटेड के अलावा एडिशनल कुछ आ गया तो ये उसको मना नहीं करेगा ये उसको एडजस्ट कर लेगा ठीक है अगर क्रिएट करते हुए इन चारों के अलावा कुछ आ गया तो वो क्या करेगा वो उसको एडजस्ट कर लेगा अगर इन चारों के में से कोई एक मिस हुआ तो भी उसको एडजस्ट कर लेगा मना नहीं करेगा ठीक है ये बेनिफिट है लेकिन मुझे वैलिडेशन के लिए स्कीमा वगैरह ये चीज़ें बनानी यहाँ पे ज़रूरी हैं ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आसानी रहेगी कि अगर हम स्कीमा बना के चलें तो बस यार 2 मिनट में हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर निकलते हैं अच्छा जी अब मैंने क्या कहा जनाब कि मेरे पास डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है मेरे पास एक अदद मॉडल बन चुका है ठीक है अब इस मॉडल से मैंने नया यूजर क्रिएट करवाना है यूजर क्रिएट करने की रिक्वेस्ट मेरे पास कहाँ आएगी पोस्ट प्रोफाइल के अंदर आएगी ठीक है जी पोस्ट प्रोफाइल के अंदर मैंने कहा कि जनाब लेट न्यू यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर और इसके अंदर मैंने वो पूरा क्या कर देना है वो पूरा डेटा दे देना है मैंने कहा नेम इक्वल्स टू क्या होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ठीक है जी और साथ में ईमेल ठीक है जी एड्रेस अच्छा एक चीज में और भी बनाने लगा था क्रिएटेड ठीक है जी तो ये क्रिएटेड जो मैंने लिखा है ना यहां पे ये मैं नहीं दिखूंगा ये डिफॉल्ट में खुद से डेट यहाँ पे ना जो करंट डेट होगी डेटाबेस की करंट डेट होगी मेरे सर्वर की नहीं ना यूजर के मशीन की डेटाबेस की करंट डेट यहाँ पे ये डिफॉल्ट में सेव करवा देगा खुद से अच्छा तो मैंने ये तीनों चीज लिख दिया यहाँ पे अब मैंने कहा न्यू यूजर डॉट सेव ठीक है जी और सेव करते हुए मुझे क्या मिलेगा एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा मेरे पास ठीक है जिसमें मेरे पास
एरर और डेटा आ रहा हो। अच्छा ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन से देख के लिख रहा हूँ। अगर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, तो आपको यहीं पे पहले पेज के ऊपर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि पहले मॉडल क्रिएट किया और फिर मॉडल से क्या किया, न्यू किटन, न्यू किटी करके और उसको न्यू कैट क्रिएट कर दिया, ठीक है जी, और डॉट देन पे इसको कंसोल करवा दिया कि डेटा ऐड हो गया। इसको मजीद डिटेल में देखना है तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर मजीद भी इसको डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिएटिंग अ मॉडल, ये क्रिएटिंग अ मॉडल यहाँ पे पूरा डिस्कस हुआ है कि मॉडल किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है जी, और मॉडल से डॉट सेव भी कॉल कर सकते हैं आप, तो उस तरह से भी पूरा करके बता रहा है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे एनिमल के नाम से एक मॉडल बनाया है इसने और न्यू एनिमल और डॉग क्रिएट किया, फिर इसने कहा डॉट डॉट फाइंड सिमिलर टाइप। अच्छा ये दूसरी चीज़ें बता रहा है, डॉट सेव इसने टॉप पे सबसे डिस्कस किया, ये रहा डॉट सेव। खैर अभी डॉक्यूमेंट नहीं देखो, पहले यहाँ देखो कि ये सेव कैसे होगा। ठीक है जी, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग डेटा सेव्ड, ठीक है, जस्ट मैंने ये लिखा है, ज्यादा कोड तो नहीं लिखा, सबसे कम कोड है इसके अंदर। अच्छा जी, पूरे सर्वर के कोड को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ क्या है। सबसे पहले मोंगो यहाँ पे रिक्वायर हुआ है, इसको हटा दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। मोंगोज़ रिक्वायर हुआ है, मोंगोज़ कनेक्ट हुआ है, मोंगोज़ का एक मॉडल बना हुआ है और पोस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर जो मोंगोज़ का मॉडल है उससे एक नया यूज़र क्रिएट करके सेव करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही सेव कम्प्लीट होता है मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेजा कि प्रोफाइल क्रिएटेड। अब इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, इसको मैं कॉल करूँगा पोस्टमैन से, ठीक है, मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन सब लोगों ने यूज़ किया है, किसी को कोई इशू तो नहीं है पोस्टमैन इस्तेमाल करने में? पोस्टमैन एपीआईज को हिट करने के लिए काम आता है, बगैर फ्रंट एंड के हम एपीआई हिट कर सकते हैं इससे, ठीक है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप डाउनलोड करके अपनी मशीन में इंस्टॉल करेंगे आप, और उससे आप इस एपीआई को हिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने मोंगो पोस्टमैन को ओपन कर लिया। पोस्टमैन जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको नजर आएगा। मैंने कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की, मुझे चाहिए http://localhost:5000/api/v1/profile, ठीक है, इसकी टाइप हो गई पोस्ट। और मुझे बॉडी के अंदर क्या भेजना है, मैंने सेलेक्ट किया रॉ और फिर मैंने सेलेक्ट किया जेसन, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बना दिया, मुझे क्या रखना है, नेम, मैंने कहा नेम भेजो मलिक, और मैंने फिर ईमेल रखा, मैंने कहा ईमेल भेजो info@sysball.com, ठीक है जी, और मैंने कहा एड्रेस, और मैंने कहा भाई सम एड्रेस, हाँ ईमेल सही तो है, अच्छा आएगा जैसा यार, क्यों नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा यार, पोस्टमैन सब एक ही है, अलग से थोड़ी है। हेडर पे क्लिक कर रहे होंगे मे बी आप, या किसी पैरम्स पे, बॉडी पे क्लिक करना है आपको, फिर रॉ सेलेक्ट करना है, और जैसे ही रॉ सेलेक्ट करेंगे ना ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इसमें जेसन सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। अच्छा ये जेसन आप ना भी सेलेक्ट करें ना, डेटा फिर भी वैसे ही जाएगा, ये जस्ट वैलिडेशन के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं कॉमा लगाना भूल जाऊँ तो देखो ये एरर दे देगा, ठीक है, ये जेसन की वैलिडेशन के लिए, अदरवाइज उसका ये ऐसा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, जस्ट वो वैलिडेशन कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा यहाँ से सेंड, जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मेरे पास इस सर्वर पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे हो, ये बात समझ आई, ये यूआरएल है, इसको मैं हिट कर रहा हूँ मेरा सर्वर। अच्छा पोस्ट का जो यूआरएल है वो मैं ब्राउजर से हिट नहीं कर सकता, इसलिए मैं पोस्टमैन इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन होती तो मैं उससे पोस्ट की रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन मैं रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाना नहीं चाह रहा, मैं जस्ट बैकएंड डेवलपर हूँ, मैं जस्ट एपीआई डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड कोई और बना रहा है, मुझे एपीआई बना के देनी है, वो कॉल करेगा, तो मेरे लिए टूल मौजूद है पोस्टमैन। उसके अलावा भी कई सारे टूल्स हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले आपसे। अच्छा, तो मैंने इसको सेंड का बटन दबाया, सेंड का बटन जैसे ही मैंने दबाया तो क्या हुआ, हाँ एस नहीं लगाना था मुझे, सही है, रिस्पॉन्स जब ही एम्प्टी आया, ठीक है। मैंने जैसे ही सेंड का बटन दबाया तो आप नोट कीजिएगा, नीचे रिस्पॉन्स आ गया प्रोफाइल क्रिएटेड, ठीक है जी, नीचे रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं अपने यहाँ पे भी आ गया भाई, डेटा सेव, ये क्या सीन हुआ है, अनडिफाइन क्यों आ रहा था, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, अच्छा मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करना था, मैंने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी किया था, सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करना था यहाँ पर, खैर सेव मैंने रिक्वेस्ट से ही किया, कंसोल में जस्ट मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ तो मैंने सही लिखा हुआ है, तो वो डेटाबेस में मोस्ट प्रॉब्ली जाके सेव हो चुका है। अब डेटाबेस को देखने के लिए क्या मैं MongoDB के क्लाउड पे वापस जाऊँगा, नहीं, मैं यहीं पे आके मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक किया मैंने और रिफ्रेश का बटन दबाया, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास ना कलेक्शन है अपेयर हो गई, यूजर्स के नाम से कलेक्शन आ गया और उसके अंदर एक डेटा भी अपेयर हो जाएगा यूजर के, जो भी मैंने यूजर लिखा था, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया, नेम मलिक, ईमेल info@sysbot.com और सम एड्रेस, ये आ गया जी, ठीक है जी। अब इसको डेटा को मंगवाना भी है, अबे एक लाइन का कोड है, क्या हो गया तुम लोगों का यार, हाँ वो भी है, वो भी कोड सही है, ये भी कोड सही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में दोनों तरीके मौजूद हैं, दोनों तरीके से आप करेंगे सेम है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, गेट प्रोफाइल वाली एपीआई के अंदर मुझे वही डेटा वापस मंगवाना है जो अभी मैंने सेव करवाया है, ठीक है जी। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल है, और मॉडल का नाम डॉट फाइंड, ठीक है जी, और डॉट फाइंड के अंदर मैं कोई क्राइटेरिया दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जिस बंदे का ईमेल इक्वल टू हो, मैंने कहा ईमेल अगर इक्वल्स हो, ठीक है, कि भाई info@this तो सिर्फ उसको लाओ, ठीक है, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ सारे यूज़र आ जाए, तो मैं इसको खाली छोड़ूंगा, खाली छोड़ने का मतलब है सब लेकर आ जाओ, ठीक है जी। और मैंने कॉमा डाला यहाँ पे, और कॉमा डाल के मैंने कॉल बैक यहाँ पे URL पास कर दिया, ठीक है, इसमें मुझे क्या मिलेगा, एरर कॉमा डेटा मिलेगा मुझे, ठीक है जी। और मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये पूरा डेटा मुझे रिस्पॉन्स में सेंड करवा दिया मैंने, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे एरर क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ एरर नहीं हो रहा, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं यहाँ पे एरर को भी हैंडल कर लेता हूँ, मैंने कहा इफ़ अगर एरर आ जाता है, जस्ट इन केस, ठीक है, अगर एरर आ जाता है तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है जी, एरर इन गेटिंग डेटाबेस, ठीक है, और साथ में मैं स्टेटस भी लगा देता हूँ, स्टेटस में क्या लिखूँगा मैं, 500, क्योंकि सर्वर की साइड से कोई इशू हुआ है, और मैंने कहा अगर एल्स, अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब है डेटा आ चुका है मेरे पास, तो मैंने ये करवा दिया, ठीक है, ये जस्ट इन केस है, ज़रूरी नहीं है कि एरर आई जाए, ये जस्ट इन केस है, टाइप हुआ ये तो, हाँ समझ आया ये कैसे हुआ। अब मैं पोस्टमैन में जाके सेम इसी URL पे गेट की रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, अगर मैंने कोड सही लिखा है तो, ठीक है जी, मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है, ये नीचे मेरे पास प्रोफाइल आ गई, हाँ ID डेटाबेस खुद क्रिएट करता है, हर यूजर के लिए यूनिक ID खुद क्रिएट करता है, ठीक है। मैं दोबारा पोस्ट में गया, अब मैंने किसी का, तुम्हारा क्या नाम है, शाहजी करके मैंने नाम लिखा, ठीक है, मैंने कहा जी shah@gmail.com और मैंने कहा कि सम अदर एड्रेस, ठीक है, क्लिफ्टन, और मैंने सेंड का बटन दबाया तो ये शाहजी प्रोफाइल भी वहाँ पे क्रिएट हो गई है जाके, ठीक है जी। अब मैं गेट करूँगा जब सेम URL पे तो मुझे दो यूज़र मिलेंगे, ठीक है जी, दो यूज़र मिल रहे हैं मुझे, लेकिन नीचे NoSQL, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, आज की क्लास में नंबर एक चीज हमने ये सीखा कि रिएक्ट की एप्लीकेशन सर्वर से बात कैसे करती है APIs के थ्रू। हमने वेदर ऐप में भी ये काम किया था, लेकिन वेदर ऐप में हम थर्ड पार्टी API कॉल कर रहे थे किसी दूसरे की API।
अभी हमने अपने सर्वर को कॉल करके चेक किया है। नंबर दो हमने आज क्या सीखा है कि एक MongoDB का क्लाउड में डेटाबेस क्रिएट करके और उससे मेरा सर्वर उससे कैसे बात करेगा, मेरा सर्वर MongoDB के डेटाबेस में डेटा को सेव कैसे करेगा और वहाँ से डेटा को मंगवाएगा कैसे। अच्छा, ये दो चीज़ें अब आप सीख गए। अब असाइनमेंट आपका ये है कि आप घर से लॉग इन साइनअप का कोड बना के लाएंगे, बहुत आसान है। यूज़र क्रिएट करना तो सीख गए, यूज़र गेट करने में अब आपको क्या करना है कि अगर यूज़र का ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहा हो तभी उसको गेट करके लाओ। फाइंड वन आप देख लीजिएगा, इसको फाइंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें जो हमने ब्रैकेट खाली छोड़ा हुआ है अभी उसके अंदर आप क्राइटेरिया लगाएंगे, बहुत आसान है। आप मंगोस के अंदर ये डॉक्यूमेंट है ना जो मंगोस का, ठीक है, इसके अंदर आप कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे क्वेरीज में, ये क्वेरीज का सेक्शन है। इसके अंदर तमाम तर जितनी भी क्वेरीज MongoDB में पॉसिबल है सबकी एग्जाम्पल, सबका कोड यहाँ पे इन्होंने पहले से लिखा हुआ है, उसको आप जस्ट देखेंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका कोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर वन आपकी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर साइनअप का एक फॉर्म होगा, मैं फॉर्म फिल करूँ, सेंड का बटन दबाऊँ, डेटा उठ के सर्वर पर जाए, सर्वर से डेटा बेस में सेव हो जाएगा, ठीक है जी। कर चुके हैं ये काम, हम मुख्तलिफ पार्ट्स में किया लेकिन कर चुके हैं ये काम। यहाँ पर ये काम हो गया, साइनअप का फॉर्म फिल किया, पोस्ट का बटन दबाया, पोस्ट की रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और सर्वर से वो कहाँ चला गया, डेटाबेस में जाके सेव हो गया। दोनों का कोड यहाँ पे हम क्लास के कोड में मौजूद है। नंबर दो काम, मैं अब लॉगिन के पेज पे जाऊँगा, सही है, राउटिंग हुई कि मेरी एप्लीकेशन मुख्तलिफ पेज है, मैं लॉगिन के पेज पे जाऊँगा, लॉगिन के पेज पे जाके मैं ईमेल और पासवर्ड लिखूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनेगी, मेरे सर्वर पे जाएगी, सर्वर वो चीज़ MongoDB से मंगवाएगा, मंगवा के चेक करेगा कि आया वो ईमेल और पासवर्ड किसी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो वो पूरा यूज़र उठा के भेज देगा और कहेगा लॉगिन सक्सेसफुल, अगर नहीं मैच हो रहा है तो आप कहेंगे यार 404 आपने गलत पासवर्ड डाला है। इतना सा काम आपको अगली क्लास में करके लाना है, यानी सैटरडे वाले दिन, सही है ना। ये सारा कोड भी अपने हाथ से पहले तो एज इट इज़ लिखना ना, पहले डायरेक्ट असाइनमेंट बनाओगे तो फंसे ही रहोगे। पहले जो मैंने कोड लिखवाया ये सारा अपने हाथ से करके देखना, चला के देखना, उसके बाद असाइनमेंट के लिए प्रोसीड करना, ठीक है जी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली क्लास में।